सरकार की श्री अवध धाम की श्रीमद हनुमत लाल जी महाराज की गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आओ हम सब मिलकर के प्रथम भाव पूर्ण हृदय से श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में चले। उनकी कृपा कटाक्ष के कारण ही हम सबके जीवन में ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है जब अपने मानस को हम मानस से पवित्र करने के लिए समुपस्थित हैं। आइए हम सब पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान को निहारें, उनके चरणों में जीवन वारें। भावपूर्ण हृदय से हम उन्हें निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प गुरुवंदना के माध्यम से हम सब मिलकर उनके चरणों में समर्पित करें। हम सब मिलकर के गुरुवंदना का पाठ करें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता गोविंद दियो बता हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा जिए अधम आधीन शरण अब शरण जिए मेरे गुरु दूसरा ना
संसार में मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। कैसे
जन्म दुख से नाप कैसे पार कर पाऊंगा मैं मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी पार करना या न करना पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की जिए हो अधम आधीन शरण अब शरण मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की जिए सिंधु करुणा की जिए सिंधु करुणा की हे मेरे आराध्य देव आपकी करुणा के कारण ही इस पामर का जीवन परमात्मा के चिंतन में सतत लगा रहता है। बस आपके श्री चरणारविंदों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना है। जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि से आपने इस पामरों के सरदार को निहारा है, बस आपकी करुणा भरी, ममता भरी, अनुग्रह भरी दृष्टि सदा यूं ही बनी रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं,
पावन पवित्र वातावरण में आज पूर्णिमा भी है। सूर्य की गति भी मकर नक्षत्र की ओर हो चुकी है। ऐसे पावन पवित्र वातावरण में आप सब यहां बैठ करके छत्तीसगढ़ में कोरबा में श्री मोदी जी परिवार द्वारा आयोजित ये राम कथा मंदाकिनी में आप सब यहां स्नान करने के लिए समुपस्थित हैं, यह निश्चित है। जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक ऐसा जीवन में अवसर नहीं आता है। कई संतों का तो यह भी मानना है, पुराणों में भी यह बात स्वीकृत हुई है, जब जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब परमात्मा की कथा सुनने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वई। और मुझे तो कई बार लगता है ये भाग्य से नहीं भगवान की कृपा से मिलती है कथा, अपने पूर्वजों के अनुग्रह से मिलती है, ऋषियों की कृपा से मिलती है। जैसे परमात्मा का अवतार होता है, ध्यान रखिएगा, वैसे ही ऋषियों का अवतार भी होता है, वैसे ही संतों का अवतार भी होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। परमात्मा धार्मिकों को नष्ट करने के लिए, धार्मिकों का जीवन संवर्धन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। वैसे महात्मा भी सबके अंतकरण में परमात्मा की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अभी जिन महापुरुष के द्वारा रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम अपनी मानस को पवित्र करने के लिए बैठे हैं, संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ के रचयिता हैं, लेखक हैं, किंतु हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने तुलसीदास जी महाराज को श्री वाल्मीकि जी महाराज का अवतार स्वीकार किया है। हमने गुरु परंपरा से श्रवण किया है कि श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने, हमारे आराध्य गुरुदेव ने, श्री राघव का चरित्र बड़ा विशद लिखा था और पाषाण खंडों पर लिखा था, नखाग्र से लिखा था, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा में, अंतरंग सेवा में राघव की वर्षों तक श्री हनुमंतलाल जी महाराज रहे। वैसे तो आराधना का प्रभाव यह होता है कि आराध्य अपने हृदयगत भावों को आराधक के सामने छुपा नहीं पाता है, प्रकट हो जाते हैं, जीवन प्रकट हो जाता है। और कहीं आराधक आराध्य के सन्निकट रह करके आराधना कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, तो उसके सामने कौन सा भाव छुपा रह जाएगा। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने श्री राघव के संपूर्ण चरित्र पढ़ा, बड़ा विशद वर्णन किया था, बहुत रसीला वर्णन किया था, और वह स्वयं है ही ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। किंतु श्री हनुमंतलाल जी महाराज को लगा कि चरित्र कहीं मन के ही आधार पर न हो जाए, तब जब तक ऋषि प्रमाण से प्रमाणित न हो तब तक यह ग्रंथ प्रमाणित नहीं है।
तो अपनी रचना को श्री वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में निवेदित किया कि ये राघव का चरित्र है, आप इस चरित्र को एक बार अवलोकन कर लीजिए और अपनी स्वीकृति प्रदान कीजिए, इसमें अपना मंतव्य दे दीजिए। हमारे संत प्रवर श्री वाल्मीकि जी महाराज ने इस ग्रंथ का अवलोकन किया, सच में ग्रंथ बहुत रसीला था। जाने कितनी बार उस रस प्रवाह में श्री वाल्मीकि जी महाराज बह गए, कई बार अश्रुप्रपात हुआ, कई बार रोमांच हुआ, चित्त गदगद हुआ। ग्रंथ अवलोकन करने के बाद थोड़ा मानस में खिन्नता आई। नारायण, इसलिए सजग रहना चाहिए, ये दोष कब अपना किसके अंतकरण में साम्राज्य फैला लें कुछ पता नहीं है। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने जब खिन्नता का कारण पूछा, निर्मल हृदय वाले संत हृदय वाले वाल्मीकि जी महाराज ने कह दिया, खिन्नता का कारण तुम्हारा ग्रंथ है। मेरा ग्रंथ खिन्नता का कारण? एक संत की? हां हनुमंतलाल, क्यों, ऐसा कैसे हो गया? कोई इसमें भाव या कोई विचार आपको जचा नहीं? श्री हनुमंतलाल जी और की निहार करके कहा कि श्री हनुमंतलाल, तुमने ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ लिखा है, ये समाज में जाएगा तो लोग दूसरे ग्रंथों की ओर निहारना भूल जाएंगे, सारे रसों से ये रसपूर्ण ग्रंथ है। और हमने भी बहुत अधिक परिश्रम करके, अनेकानेक वर्ष लगा करके मैंने भी एक ग्रंथ लिखा है, अब मुझे लगने लगा उस ग्रंथ का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आपके रचित रामचरित्र का चित्रण सुनकर के कोई हमारे द्वारा रचित या वाल्मीकि ग्रंथ का अवलोकन नहीं करेगा, मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया। वारे वा श्री हनुमंतलाल जी महाराज, उनको लगा कि शायद एक संत को ये पीड़ा हो रही तो ये ग्रंथ रखने की आवश्यकता ही नहीं है। राम गाथा को उन्होंने समुद्र में विसर्जित कर दिया अपनी, और कहा, संत आप दुखी मत हो, समाज में आपके ग्रंथ की ही प्रतिष्ठा होगी। वाल्मीकि जी महाराज के चित्त में अधिक प्रसन्नता तो नहीं हुई, अपने अंतःकरण को देखकर थोड़ी खिन्नता और हुई कि देखो तो सही, ऐसा दिव्य ग्रंथ मेरे माध्यम से नष्ट हो गया। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है, कलयुग में तुम ही तुलसीदास बनकर के प्रकट होगे, और जो मेरे द्वारा रचित काव्य प्रबंध था हुआ तुम्हारे द्वारा प्रकट होगा, और समाज के जनमानस के मानस में यह सचमुच में सुवास बनकर के बसेगा। तो संत प्रवर श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री तुलसी बनकर के प्रकट हुए हैं। वैसे तो नारायण तुलसीदास जी महाराज का जीवन बालपन से ही बड़ा दुखित बीता, जन्म होते ही मां का शरीर पूरा हो गया, जो दासी चुनिया लेकर के आई थी उसका भी शरीर पूरा हो गया। स्वाभाविक है, जिसके जन्म लेते ही मां का देहावसान हो गया हो तो समाज में निश्चित रूप से उसकी उपेक्षा ही होने वाली है। हमारे एक संत कहते थे, बड़ी रसीली बात है, वो कहते थे, बचपन में किसी की मां न मरे और बुढ़ापा में किसी की पत्नी न मरे,
अगर बचपन में किसी की मां का देहावसान हो जाता है तो बालक वह उपेक्षित हो जाता है। और ये राम बोला तो ऐसे महाराज उपेक्षित हुए, आपको क्या कहें। अगर किसी के दरवाजे पर यह बालक बैठा होता था तो लोग पाषाण मार करके भगा देते थे। दुर्भाग्यशाली बालक है, जन्मते मां को खा गया, दासी को खा गया। कई संतों ने तो चुनिया को तुलसीदास जी महाराज की बुआ भी माना है कि बुआ को खा गया। अगर इसकी छाया तुम्हारे घर में पड़ जाएगी तो पता नहीं तुम्हारे घर में किसका देहावसान हो जाएगा। वर्षों तक नारायण इनको भोजन नहीं मिलता था। हम कई बार इन संतों के जीवन पर विचार करते हैं तो हृदय भर आता है। बाद में भगवान शंकर को करुणा जगी और श्री शंकर की करुणा के कारण मां अंबा जगदम्बा भगवती इस बालक को दुग्धपान कराने आ जाती थी, खंडहर में छुप करके दूध पिला जाती थी। बालक किसी के घर में मांगता भी नहीं था, कहीं खाता धुता दिखता नहीं था, तो ग्रामवासियों को और चिंता लग गई, बालक कैसा है, बिना खाए जिंदा है। लोगों ने उस पर पहरेदारी बैठाल दी। ये संसार मेरा बड़ा विलक्षण है, आप प्रसन्न रहो तो कहेंगे प्रसन्न क्यों रहता है, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। लोगों ने पहरेदारी बैठाल दी उस बालक के प्रति। संयोग ऐसा बना, एक वृद्धा ने पकड़ ही लिया मां अंबा जगदम्बा अन्नपूर्णा को दुग्धपान कराते हुए। पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों आती हो, ये दुर्भाग्यशाली बालक को तुम क्यों दुग्धपान कराती हो, तुमको पता नहीं है बहुत खतरनाक बालक है। लोगों के भय के कारण भगवती ने भी आना बंद कर दिया। पुनः वही दशा, किंतु वारे वासु भगवान शंकर कारण करुणा करने वाले, उन्होंने चित्रकूट में रहने वाले नरहरा दादन जी महाराज को भेजा कि तुम बालक को ले जाओ। माता पिता थे नहीं, अनाथ बालक, गांव वालों से पूछा तो कहा ले जाओ। आकर के प्रयाग में इनका संस्कार किया, काशी में इनको पढ़ाया भी, और उसी समय इनको महाराज दूसरे स्थान पर ले जाकर के शुकर खेत का वर्णन किया, राम कथा भी सुनाई, किंतु समझ नहीं पाए, बालक थे। अध्ययन पूरा होते होते गुरुदेव का भी शरीर पूरा हो गया, फिर अनाथ हो गए, फिर गांव वापस आ गए। पठित थे, पढ़े लिखे थे, शास्त्रों का अध्ययन हुआ था, तो अब गांव गांव कथा कहने लगे और भगवान राम की कथा, वाल्मीकि की कथा सुनाते थे, उससे जीविका चलने लगी। एक सज्जन को स्वप्न आया और उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह इनके साथ कर दिया, रत्नावली का। बचपन से किसी का प्यार मिला नहीं था, रत्नावली के प्यार के कारण इतना उससे राग कर बैठे कि महाराज वो आंखों से ओझल होती थी तो उनको बहुत कष्ट होता था। किंतु आ भगवती रत्नावली भी बहुत दिव्य देवी थी। मैं तो कई बार उस देवी को भी वंदन करता हूं। उसने समझ लिया कि इस महापुरुष का जन्म भोगों के लिए नहीं हुआ है, किसी के राग से फंस करके जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं हुआ है, ये तो सारे विश्व ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए आया है।
आज विचार कर रहा था लेटे लेटे उस देवी को, उस सती को मैं बंधन कर रहा था। नारायण, कौन ऐसा होगा जो अपने प्रेमास्पद को, अपने से प्रेम करने वाले का परित्याग कर दे, जो अपना ध्यान रखता है, अपने से प्रेम रखता है। हम समझते हैं कि वह हमारे साथ रहे, किंतु उस देवी ने विचार किया कि नहीं, ये इसलिए नहीं पैदा हुए हैं। और नारायण वाक्य बोल दिया कि जितना इस हाड़ मार के शरीर से प्रेम है, उतना यदि राघव से प्रेम हो जाए तो काम बन गया। और इस वाक्य ने नारायण के जीवन में क्रांति ला दी। छोड़कर चले गए, हमने संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज का जीवन पढ़ा है। एक बार तो 7 दिन तक केवल तुलसीदास जी महाराज की ही कथा सुनाई कहीं। मुझे बहुत प्यारा लगता है चरित्र इस महापुरुष का, केवल मैं उनका चिंतन कर रहा हूं अभी, उस महापुरुष को मैं जी रहा हूं। भगवती ने भी शरीर छोड़ दिया, क्योंकि पति के जाने के बाद उनका कहीं जिक्र नहीं है कि कभी वो जीवन में कहीं मिली हैं या कभी उनसे कोई वार्ता हुई है। उनको लगा कि हमारा जितना पाठ था इनके महापुरुष के जीवन में हो गया, अब पाठ पूरा, अभिनय पूरा। और देवी ने शरीर का परित्याग कर दिया और ये श्री राघव के प्रेम में ऐसे रंगे महाराज, ऐसे रंगे कि संपूर्ण जीवन उसी राग अनुराग में बिताया। और काशी में रह करके जो अपने गुरुदेव से इन्होंने सुना था बचपन में, समझ में आया नहीं था, उसी को भाषाबद्ध करने का उन्होंने मानस बनाया। और ये शब्द सोपान वाले, सोपान माने नारायण सीढ़ी होती है, मानो परमात्मा तक पहुंचने की ये 7 सीढ़ियां बना दी उन्होंने। एक एक सीढ़ी करके आप चढ़ते जाइए, अथवा नारायण आप सुनेंगे अभी, ये मानसरोवर है और सरोवर में स्वाभाविक है जलपान करने के लिए सीढ़ियों से जाना पड़ता है। एक एक सीढ़ी से आप उतर कर जाएंगे तब जलपान कर पाएंगे। 4 घाट हैं सरोवर के, चारों अलग अलग महापुरुष इसमें बैठ करके अलग अलग ढंग की कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर हमारे श्री संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज भी बैठकर कथा सुना रहे हैं, और ये कथा दुनिया को नहीं सुना रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है, अधिकतर लोग दुनिया को कथा सुनाते हैं, दुनिया को चिंतन सुनाते हैं, दुनिया का चित्त लुभाना चाहते हैं, किंतु संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज का श्रोता कोई संसार का व्यक्ति नहीं है। उनके श्रोता उनका मन अपना स्वयं है। और सच कहें, कथा तो मन को ही सुनानी चाहिए। ये मन यदि हमारा कथा सुन जाए और जीवन के रंग, महाराज गोविंद के रंग में रंग जाए, राघव के रंग में रंग जाए, तो सारी की सारी व्यथा दूर हो जाएगी। इन्होंने अपने मन को ही कथा सुनाई है। आइए हम सब, वैसे तो 4 घाट में कोई कर्म का घाट है, कोई उपासना का घाट है, कोई ज्ञान का घाट है, मैं चर्चा करूंगा इसकी, और ये दीनता का घाट है। आप लोगों ने शायद कभी सरोवर देखे होंगे, सरोवर में चारों तरफ सीढ़ियां नहीं होती हैं, 3 तरफ सीढ़ियां होती है। एक होता है गऊ घाट, गाय घाट बोलते हैं उसको, हमारे ब्रज में तो बहुत सारे हैं। हमारा शरीर जहां रहता है वहां ही दावानंद कुंड है, तो हम देखते हैं 3 तरफ सीढ़ियां, 1 तरफ सीढ़ी नहीं है, बिना सीढ़ी का घाट है, उसको पशु घाट भी बोलते हैं, गाय घाट भी बोलते हैं।
ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से तीन तरफ की जो ये ज्ञान भक्ति वैराग्य के जो घाट हैं, इन घाटों में तो निश्चित रूप से सीढ़ियां हैं, उतरना चढ़ना पड़ेगा, किंतु ये जो गऊ घाट है इसमें सीढ़ियां नहीं है, इससे कोई भी जाकर के जल पी सकता है। दो पैर वाले भी पी सकते हैं, चार पैर वाले भी पी सकते हैं। अन्य तीन घाटों में चार पैर वाले जाने में डर है, कहीं पैर फिसला तो गिरे, किंतु ये जो गऊ घाट है उस घाट के आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। ऐसा लगता है हम पशुओं के लिए भी जो बने मनुष्य हैं, किंतु सारे व्यापार पशुओं के हैं। कई बार मैं चिंतन करता हूं तो लगता है सचमुच में तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो मां अपने बालक को भक्त न बना पाए तो व्यथा भी आनी, या निश्चित है कि यदि हम भक्त नहीं बन पाए तो मां यदि ब्याई है, तो मां यदि ब्याई है तो मनुष्य नहीं ब्याई होती है, वो पशु को ही ब्याह है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम पशुओं के लिए भी ये तुलसीदास जी महाराज का घाट, दीनता का घाट, कृपा का घाट, करुणा का घाट, क्षमा का घाट, जिसमें बैठकर श्री तुलसीदास जी महाराज कथा सुना रहे हैं, आप लोगों को जो घाट अच्छा लगे उस पर बैठकर कथा सुनिएगा। आइए हम सब सनातन धर्म की परंपरा का अवशीलन करते हुए, अनुगमन करते हुए मंगलाचरण करें, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण मंगी गत्यर्थक धातु से निष्पन्न होने के कारण गति, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष का सहयोगी होता है। जो भी हम कार्य करें उस कार्य में कोई मंगल महाराज अमंगल न हो और उस कार्य में गति बनी रहे, विघ्न कोई ना आए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। और जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य का हमें ज्ञान भी हो। हमारे यहां नियम है, अथ जानाति इच्छति करोति। पहले जो कार्य करना है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, जानाति, फिर उसके बाद करने की इच्छा होनी चाहिए और फिर करना चाहिए। मानो किसी बात की जानकारी है, हमको जान गाना आता है, मानो हम सभी रागों के जानकार हैं, तो जानते तो हैं रागों को, किंतु हमारा गाने का मन न हो तो हम गाएंगे नहीं, और बिना मन के यदि गाएंगे भी तो उसका रस ना हम ले पाएंगे ना किसी दूसरे को दे पाएंगे। तो इच्छति, हमारे चित्त में इच्छा भी हो, रुचि भी हो गाने की, और बाद में करोति, अब हम क्रिया करें। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हमको जानकारी हो, उसके बाद दो क्रियाएं और बाद में होंगी। तो मंगलाचरण करने से हमको विषय की जानकारी होगी, रास्ते की जानकारी होगी, और निश्चित रूप से मंगलाचरण की ऐसी महिमा होगी कि हमारे जीवन में करने की इच्छा भी होगी और हम करेंगे भी। तो गति के लिए, ज्ञान के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए मंगलाचरण करते हैं। संत प्रवर्षि तुलसीदास जी महाराज ने जो मंगलाचरण किया है, नारायण प्रथम अक्षर उन्होंने वकार का प्रयोग किया है, रामचरितमानस में लास्ट में भी वकार का ही प्रयोग किया है। प्रारंभ है वर्णानाम मर्त संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, लास्ट में दुह्यंती मानवा
वहां भी मानवाह शब्द का प्रयोग है। हम लोगों के यहां एक अक्षरी शब्द कोश है, जब बचपन में पढ़ते थे तो रटाया गया था, जैसे अकारह वासुदेवस्यात्, अकार का अर्थ वासुदेव, ऐसे प्रत्येक अक्षर के अलग अलग अर्थ है नारायण। ककार का अलग अर्थ है, खकार का अलग है, गकार का अलग अर्थ है। एकाक्षरी शब्दकोश में वकार का अर्थ है अमृत बीजम, जैसे रांग रामाय नमः में रांग जो है ना ये अग्नि बीज है, ये क्लीम काम बीज मंत्र है, वैसे जो वकार अक्षर है या अमृत बीज है। और सच में नारायण अमृतो भवती तृप्तो भवती, जब जीवन में भक्ति आती है तब व्यक्ति तृप्त हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। तो मानो हमारे जीवन को अमृत स्वरूप बनाने के लिए ग्रंथ है, क्योंकि ये अमृत बीज से संपुटित है। हमारे आचार्य चरण जानते हैं, जब कोई अनुष्ठान आदि किया जाता है तो संपुट लगाया जाता है, हम लोग रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं तो संपुट लगा देते हैं कई बार। तो संपुट का अर्थ तो नारायण ये है कि अब लोग वैसे तो नहीं कर पाते हैं, प्रत्येक दोहा के बाद दो दो बार संपुट तो उच्चारण करना चाहिए, पहले और बाद में। तो एक जो संपुट है वह चौपाइयों को संपुटित कर देता है, एक दोहा को कर देता है। संपुट माने जैसे ये हाथ है हमारा, ये संपुटित हो गया, ये बंद हो गया। तो संपुट माने बंद कर देना, दोनों ओर से ढक देना। तो ये अमृत बीज से रसीला ग्रंथ ढका हुआ है, जिस ग्रंथ को आप सब सुनने के लिए यहां बैठे हुए हैं। और ये सनातन धर्म की परंपरा का इन्होंने अवगाहन किया है। वैसे तो अर्थ बिल्कुल सीधा साधा है, आप सब अनुष्टुप छंद है ये, वर्णानाम अर्थ संघानाम। ये वर्ण होता है, जैसे वर्णमाला आपने पढ़ा होगा, काखा गंगा चा चा जा, ये वर्णमाला है। और वर्णमाला को ही मिला करके कोई वाक्य बन जाता है जिसका कोई अर्थ होता है, जैसे रा आ और मा, ये तीन वर्ण है और इन वर्णों से बन गया राम। अब राम का एक अर्थ हो गया। रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें बड़े बड़े योगी लोग रमण करते हैं उनका नाम राम है। तो वर्ण और अर्थ, और महाराज जो अर्थ बनते हैं, वर्ण जब मिला मिला करके कभी कोई रचना करता है तो वाक्य बन जाता है, वाक्य के अर्थ होते हैं, और प्रत्येक वाक्य किसी न किसी रस को उत्पन्न करता है, वीर रस को उत्पन्न करता है, श्रृंगार रस को उत्पन्न करता है कोई वाक्य, अलग अलग रसों को उत्पन्न करने वाला। तो कहा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपी, छंद बन जाते हैं इन वाक्यों के द्वारा ही। इनको अपि माने यहां महाराज निश्चय अर्थ में है, मंगला नाम च कर्तारौ, और जो मंगल को करने वाले हैं ऐसे हैं कौन, बोले वाणी विनायकौ वंदे। वाणी नाम सरस्वती का है, विनायक नाम श्री कृष्ण हमारे श्री गणेश जी का है। वैसे तो शास्त्र की परंपरा ये है, सनातन धर्म की परंपरा है कि किसी की आराधना करने के पूर्व किसी भी देव की आराधना करो, राम की कृष्ण की शिव की शक्ति की गणेश की सूर्य की, आप आराधना चाहे किसी की भी न करें चाहे किसी का पूजन करें, किंतु प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण होना ही चाहिए।
अगर आप लोग प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण नहीं करेंगे तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। शिवपुराण में वर्णित है, ये भगवती ने भगवान शंकर से वर मांगा था कि हमारे पुत्र की प्रथम महाराज पूजा होनी चाहिए, और अगर प्रथम पूजा नहीं होती है तो लोगों को पूजा का फल न मिले। इसलिए आप देखेंगे चाहे कहीं भी कभी पूजा प्रारंभ हो, आचार्य लोग विद्वान लोग आते हैं, सबसे पहले गणेश वंदन ही करते हैं, गणेश पूजन ही करते हैं। और यहां तो नारायण गणेश लिखने में बड़े कुशल हैं, इनकी लेखनी का बड़ा कमाल है, तो ग्रंथ लेखन करना है इसलिए उचित लेखक की भी आवश्यकता है। और नारायण जो वाणी है सरस्वती है, उसके बगैर शब्द रचना कैसे होगी। मानो मंगल को देने वाले श्री विनायक वर्ण अर्थ रस छंद आदि का संपादन करने वाली भगवती मांबा जगदम्बा श्री सरस्वती, ये दोनों को वंदन किया है। वैसे तुरंत हमारे विद्वानों ने, और विद्वानों का अपना महाराज एक रस है, अपनी एक अवधारणा है। वैसे तो मैं कई बार विचार करता हूं कि कई विद्वान जो ग्रंथ लिख करके चले जाते हैं, शायद उस ग्रंथ का अर्थ वो भी उन्होंने नहीं सोचा होगा जो नए नए विद्वान उसका अर्थ निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, कारण क्या है, काव्यम करोति काव्यानि स्वादम जानाति पंडिताः। काव्य करने वाले रचना करने वाले रचना करके चले जाते हैं, किंतु उसका रस वो उतना कभी नहीं ले पाता है जितना विद्वान लोग बाद में लेते रहते हैं। अब रामचरितमानस की एक एक चौपाई के कैसे कैसे अर्थ किए हैं विद्वानों ने, रसिकों ने, आज भी विद्वान लोग इसमें डुबकियां लगाते ही जा रहे हैं। बिल्कुल सीधी सादी देखने में चौपाई होती है, किंतु एक एक अक्षर के एक एक वाक्य के ऐसे ऐसे अर्थ विद्वान लगाते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज ने भी शायद वो सोचकर नहीं लिखा होगा। तो हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे काव्यम करोति काव्यानि स्वादम जानाति पंडिता पंडिताः। कुमारी रूप लावण्य, कुमारी के रूप लावण्य का रस पिता नहीं लेता है, उसका पति लेता है। तो मानो जिसने कविता की है वो कविता का माना पिता है, और जो कविता का रस ले रहा है, कविता में डुबकियां लगा रहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, वह उसका रस संवाहक, उसका रक्षक भी है। पति माने रक्षक भी होता है, पातिति पति, उन रसिकों के कारण, उन रक्षकों के कारण ही वह कविता रसीली बनी रहती है। आप जरा विचार की एक राग के कई कई रागों में लोग गाते रहते हैं, अगर वो गाएं नहीं तो उसकी रक्षा कैसे होगी। ग्रंथों में रक्षा नहीं होती है, अलग अलग रागों में गाने से रक्षा होती है, अलग अलग समाज में पहुंचाने से रक्षा होती है। तो रक्षक हैं, स्वाद लेते रहते हैं, इसका रस लेते रहते हैं। तो एक विद्वान ने तो गजब ढाया है, उन्होंने तो महाराज ये प्रथम श्लोकों में, श्लोक में सातों के सातों कांड ले लिए हैं। वर्णा नाम से इन्होंने बालकांड ले लिया है, क्योंकि वर्णों का इसमें वर्णन है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, संन्यास का, वानप्रस्थ का, अनेक अनेक वर्णों का वर्णन है, इसलिए बालकांड हो गया वर्णानाम। और अर्थ संघानाम, सच में जहां अर्थों का समुदाय हो अवध है। आप देखिएगा अवध की एक विलक्षणता है, कोई भी अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है। लोग यही समझते हैं कि धन का नाम अर्थ है, किंतु सच्ची ढंग देखा जाए तो अर्थ हुआ तो अनर्थ करने वाला होता है। समाज के सच्चे धन सच्चे अर्थ तो हमारे श्री राघव है। दशरथ जी के जीवन से अर्थ गया तो जीवन ही नहीं रहा,
भरत जी ने अपना अर्थ परित्याग नहीं किया, चाहे मां ने कहा हो चाहे किसी ने कहा हो। लखनलाल जी अपने अर्थ के साथ रहते हैं, तो अर्थ की चर्चा इस ढंग से अथवा धन की चर्चा है, उसमें राज्य के लिए कैसे कैसे उपद्रव हो गए, इसलिए अर्थ संघा नाम का अर्थ कर दिया गया है अयोध्या कांड, और रसा नाम अरण्य कांड है। आप कहेंगे अरण्य कांड में रसों का क्या वर्णन है? आज मैं सच में देख रहा था वाल्मीकि अपने रामायण, तो मुझे लगा सचमुच में सब रस है उसमें अरण्य कांड में। श्रृंगार रस का तो इतना बढ़िया वर्णन किया है, मधुर रस है ही, वीर रस है ही, विभत्स रस का भी वर्णन है, महाराज सभी रस उसमें वर्णन। श्रृंगार रस का देखिए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, ये श्रृंगार रस है। कि हमारे श्री राघव स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार लताओं लताओं से, वृक्षों वृक्षों से महाराज पुष्पों का चयन करते हैं, चुनी कुसुम सुहाए, और अपने हाथ से ही आभूषण बनाते हैं, और आभूषण बनाकर श्री जानकी का श्रृंगार करते हैं, श्री मांबा जगदम्बा श्री वैदेही का श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करने के बाद ये श्रृंगार रस है, मधुर रस है, और सजी धजी जानकी को देख करके इंद्र के बेटे जयंत के मानस में बल देखने का मानस हुआ, तो महाराज उसने सीता चरण चोच हति भागा, और जब चोच का प्रहार किया तो हमारे श्री राघव ने सीख के बाण को महाराज बना करके बाण धनुष बनाकर ऐसा संघान किया, इससे बढ़िया वीर रस और देखने को कहां मिलेगा, कोई रक्षा ही नहीं कर पाया उनका, ऐसे वीर रस का वर्णन है। अरे महाराज इसी कांड में आपको बताएं, सूप नखा के विभत्स रसी है, नाक कान कट गए, सब रस है इसमें, तो रसा नाम से अरण्य कांड लिया गया है, और छंद प्रबद्ध का वर्णन नारायण के स्किंधा कांड में है, और सभी मंगलों को देने वाला सच कहें ये सुंदर कांड है। सुंदरे किम्न सुंदरम, तो सुंदर कांड का भी वर्णन है, और सबका मंगल भी हुआ उसमें, हमारा लंका कांड में कर्तारव है वो सबका मंगल करने वाला है। आप कहेंगे कैसे मंगल हुआ, असुरों का भी मंगल हो गया जी, रावण का मंगल हो गया राम के हाथ मारे जाने के कारण, इससे बढ़िया मंगल और क्या हो सकता है, और सभी प्रश्नों का उत्तर भी उसमें उत्तरकांड में समाया हुआ है, इसलिए हमारे सातों कांडों का इसमें वर्णन किया गया है। इनके जीवन में संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि किसी का योगदान रहा है तो है भगवान शंकर का और भगवती मांबा जगदम्बा पार्वती का। मैं तो इनके वैदुष्य पर भी बलिहार हूं और भाव अभ्यक्ति पर भी बलिहार हूं। द्वितीय श्लोक के मंगलाचरण में आप देखिए, बड़ा प्रसिद्ध मंगलाचरण आप सब गाते रहते हैं इसको, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम। भव की जो पत्नी है भवानी, भवानी को वंदन है, भगवान शंकर को वंदन है। ये शंकर और भवानी रहते कहां हैं? कैलाशवासी हैं? बोले कैलाशवासी नहीं, हमारे सबके मन के वासी हैं, तो हमने तो उनको निहारा नहीं। किस रूप में रहते हैं? बोले श्रद्धा और विश्वास के रूप में रहते हैं। अगर आपके जीवन में श्रद्धा है तो समझ जाना कि आपके जीवन में भवानी है, और आपके जीवन में विश्वास है तो आपके जीवन में भगवान शंकर हैं। ये श्रद्धा और विश्वास के जो प्रतीक हैं दोनों,
और सच में नारायण बिना श्रद्धा और विश्वास के हम आप जी नहीं सकते। आप कहोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो महाराज, जाने कितने लोग नास्तिक होते हैं और वो भी जीते हैं। अच्छा एक बात आप लोग हमें बताइए, कितना भी बड़ा नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको अपनी पत्नी पर विश्वास न हो तो उसके द्वारा दिया गया पानी पिएगा क्यों मोदी जी? नहीं पिएगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या पिला दे। नौकर पर विश्वास न हो तो आप घर छोड़ करके आ पाओगे? परमात्मा के पानी की तो बात छोड़ दिए, जगत में भी रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। और हमने देखा है जिन लोगों के अंतःकरण में विश्वास नहीं होता वो बहुत अशांत होते हैं, वो सुखी नहीं बन सकते हैं, वो रोते ही रहते हैं, वो शिकायत से ही भरे रहते हैं। विश्वास के बगैर काम बनेगा ही नहीं। अरे नारायण आपको ड्राइवर पर विश्वास ना हो तो गाड़ी पर बैठ पाओगे? बिना विश्वास के तो आप चल ही नहीं पाओगे, गड़बड़ा जाओगे। तो विश्वास की भी आवश्यकता है। तो विश्वास स्वरूप भगवान शंकर हैं और श्रद्धा स्वरूप श्री भगवती मां अंबा जगदम्बा भवानी है। बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, याभ्याम बिना न पश्यंती, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने अंतकरण में रहने वाले अपनी आत्मा को भी नहीं पहचान सकता है, अपने परमात्मा को भी नहीं पहचान सकता है। स्व अंतः अपने अंतकरण में रहने वाले ईश्वर को यदि पहचानना है तो भगवान शंकर और भगवती मां को साथ में होना परम आवश्यक है। अच्छा एक बात आप लोग बताओ, आपके जीवन में विश्वास ना हो तो कभी अपने पिता को भी नहीं पा पाओगे आप। मां के वाक्य पर विश्वास करते हैं तभी तो हमको पिता मिलता है। मां कह देती ये तुम्हारे पिता है, हमको स्वीकार है, विश्वास है। और कोई बालक अपनी मां से कहे कि हमको तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, हमको सिद्ध करो ये हमारे पिता कैसे हैं, क्या सिद्ध करेगी वो? विश्वास मान करके जीवन में चलना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर को मां अंबा जगदम्बा भगवती को श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदन किया है। अब पुनः शंकर को अलग से वंदन करते हैं। ये स्वरूप नारायण बड़ा अद्भुत है, हमको तो बहुत प्यारा लगता है श्लोक, और सच में है भी। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज के तो जीवन में घटा हुआ ये श्लोक है। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। आहा कैसे भगवान शंकर को प्रणाम है जो गुरु रूप है, गुरु रूपिणम। गुरु माने जानते हैं क्या होता है, एक कान फूंक देने वाले का नाम गुरु नहीं कि कान फूंक दिया तो गुरु बन गए। गुरु शब्द का अर्थ अद्भुत है, ये हमारे संस्कृत भाषा में ही आपको गुरु शब्द का अर्थ मिलने पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जिस भाषा का जो शब्द होता है उसी भाषा से उसका अर्थ होता है। पहले हम शुरू शुरू में कथा करते थे तो बहुत ज्यादा खिंचाई करते थे जो रसोई घर को, क्या किचन बोलते हैं कि चिकन बोलते हैं, किचन बोलते हैं, तो हम बहुत खिंचाई करते थे, उसका अर्थ अपने संस्कृत से अर्थ लगा करके बोलते थे।
एक अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति ने हमको एक दिन बड़े प्रेम से कहा, कलकत्ता के धानुका परिवार, पुरुषोत्तम धानुका उनका नाम, कथा सुन रहे थे हमारी यजमान बन करके, और श्रीधाम वृंदावन में मैंने खिंचाई की जब, तो उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी ऐसे शब्दों को आप, अंग्रेजी भी एक भाषा है और आप उस भाषा की इतनी खिंचाई क्यों करते हो। फिर उन्होंने अर्थ बताया अलग अलग करके, तो उस दिन मुझे लगा कि जिस भाषा का जो शब्द हो उसका अर्थ उसी भाषा के आधार पर लगाना चाहिए। अब शब्द किसी भाषा का है और हम उसका अर्थ कहीं दूसरी जगह से खींच कर रहे हैं, तो कई बार हो सकता है कि अच्छा भी लग जाए, किंतु हो सकता है गलत भी हो जाए। तो ये जो शब्द मैं आपके सामने प्रयोग करने वाला हूं अभी, गुरु, आप अगर, मैं कई बार देखता हूं संस्कृत के शब्दों का, हिंदी के शब्दों का यदि अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है तो हमको मिल नहीं पाते, तो कई बार जब सब अर्थ नहीं मिल पाते तो उसी ढंग का गुरु की जगह गुरु बोल देते हैं, क्योंकि उसका हमको अंग्रेजी का पता ही नहीं है। याद रखिएगा, गुरु शब्द का अर्थ टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है। अगर आप गुरु शब्द का अर्थ टीचर कर रहे हैं, अध्यापक कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अन्याय है, ये गुरु शब्द से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ दो अक्षर इसमें हैं, गु और रू। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, गु शब्दस्तंधकारोस्ति रू शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। जो हमारे जीवन में अंधकार को समाप्त करके हमें प्रकाश की ओर पहुंचा दे, हमारे जीवन में प्रकाश कर दे, उसका नाम गुरु है। तो ये गुरु भगवान शंकर स्वरूप कैसे, इनकी विशेषता क्या है? देखो भाई, पूर्ण चंद्र की तो वंदना होती है, किंतु टेढ़े चंद्र की वंदना नहीं होती है। टेढ़े आदमी को कौन भाता है, कौन उसको पसंद करता है? कोई नहीं। किंतु वही टेढ़ा चंद्रमा यदि भगवान शंकर का आश्रय ले लेता है, वही टेढ़ा चंद्रमा यदि भगवान शंकर का आश्रय ले लेता है, तो याद रखिए उस टेढ़े चंद्रमा की भी वंदना होने लगती है, उस टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा होने लगती है। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि छोटा व्यक्ति यदि बड़े का आश्रय ले ले तो छोटा भी बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है? वो कहते थे जैसे बावन भगवान के हाथ में जो डंडा था ना, अब बावन भगवान का संग मिला तो जब बावन भगवान बढ़े तो डंडा भी बढ़ गया। वो डंडा ऐसा नहीं समझिए कि भगवान जब बावन बन के गए थे जितना हाथ में डंडा रहा होगा उतना ही बड़ा रहा होगा, स्वाभाविक है जैसे भगवान बढ़े वैसे डंडा भी बढ़ गया। तो हम जब बड़े आदमी का संग आश्रय ले लेते हैं, अरे महाराज बात छोड़ दीजिए, मैंने तो देखा है कि कुत्ता भी यदि बड़े आदमी का होता है तो कोई डंडा मार के भगाता नहीं, कहता अमुक आदमी का कुत्ता है, बाबूजी का कुत्ता है। लो जी, कुत्ते की भी कीमत बढ़ गई बाबूजी से जुड़ने के बाद, अमुक का कुत्ता है। ऐसे ही बड़ों का आश्रय लेने के बाद निश्चित रूप से छोटा भी बड़ा हो जाता है। जिस टेढ़े चंद्रमा को कोई नहीं मानने वाला था, लगता है निश्चित रूप से तुलसीदास जी महाराज ने ये वक्र चंद्र की उपमा के रूप में अपने को ही रखा होगा, क्योंकि जानते हैं कि कोई उस समय उनको मानने वाला नहीं था। किंतु जब से भगवान शंकर का अनुग्रह हुआ, जब से उनका आश्रय हुआ, तो चंद्र सर्वत्र वंदते, सर्वत्र चांद की वंदना होने लगी, और बाद में नारायण दोनों को वंदन किया इन्होंने। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, आह, भगवान श्री
राघव और मांबा जगदम्बा जानकी का जो चरित्र है वह पुण्य वन है, और इस पुण्य वन में दो विहार करने वाले हैं। इस वन का आनंद लेने वाले दो हैं, बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, एक कवीश्वर हैं और एक कपीश्वर हैं। वन का आनंद लेने वाले दो, एक कवीश्वर और एक कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? श्री वाल्मीकि जी महाराज, ये कवियों के ईश्वर हैं, श्रेष्ठ हैं कवियों में। और कपीश्वर हैं श्री श्री हनुमंतलाल जी महाराज। और सच में इन दोनों को भगवान के चरित्र से विलक्षण प्रेम है, विलक्षण अनुराग है। हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज तो महाराज धरा छोड़ करके इसलिए नहीं गए कि उनको पता था कि अगर राघव से प्रश्न कर दिया साकेत जाते समय कि आपके साथ में यदि चलूंगा तो साकेत में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा साकेत में कथा नहीं मिलेगी, मैं मिलूंगा। तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा कि मुझे तो कथा चाहिए, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। और श्री हनुमंतलाल जी महाराज इसलिए रह गए कि उनको कथा से प्रेम है, वो तो कथा वन में विहार करने वाले हैं। इन दोनों कवियों को महाराज कवीश्वर और कपीश्वर को वंदन करने के बाद हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में मांबा जगदम्बा श्री जानकी का वंदन करते हैं, किंतु वंदन करने का ढंग बड़ा विलक्षण है। इस समय करुणामयी मां के रूप में वर्णन नहीं है, कृपामयी अनुराग वर्धनी श्रीजू के रूप में वर्णन नहीं है। इस समय इन्होंने जगत के कारण के रूप में वर्णन किया है, उद्भव स्थित संहार कारणी, जो सृष्टि बनाने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और संहार करने वाली हैं। एक रामचरितम जैसे महाराज राम मानस बहुत है, राम कथाएं इतनी हैं इतनी हैं, मुझे लगता है कि मेरे ही पुस्तकालय में कम से कम 50 प्रकार की रामायण होंगी और कहो ज्यादा हो। उसमें एक अद्भुत रामायण है, अद्भुत रामायण पढ़ने लायक, सचमुच में अद्भुत है वो। और जब श्री राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके अवध में आए हैं, अवध में बड़ा उनका स्वागत किया, राम राज्य की स्थापना हुई, अद्भुत रामायण में बड़ा वर्णन दिव्य है। आपस में बैठे थे तो चर्चा हुई कि रावण का वध किसने किया, तो जगत में तो यही प्रसिद्ध है कि राम जी ने किया, किंतु वहां महाराज जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि रावण का वध करने वाले राम जी नहीं है, रावण का वध करने वाली जानकी है। और केवल रावण का वध करने वाली ही नहीं, सबका संहार करने वाली। और जिस जानकी का चित्रण यहां किया गया है देवी भागवत के आधार पर कहूं तो यही रूप देवी भागवत में भगवती का वर्णन है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी और क्लेश हारिणी। ये जन्म का क्लेश, मौत का क्लेश, इन क्लेशों का हरण करने वाली जो मां है सर्वश्रेयस करीम सीताम, ये सर्वश्रेय करने वाली, ध्यान रखिएगा, ये मां प्रेय देने वाली नहीं है अभी, ये श्रेय देने वाली है, ये कल्याण देने करने वाली जो मां है। सर्वश्रेयस करीम, श्रेय माने जिसमें हमारा कल्याण है। सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा, ये राम वल्लभा, राम वल्लभाम नतोहम, हम राम वल्लभा को, वैसे तो महाराज ये भगवती
जो भी करती हैं श्री राघव के ही आश्रय में रहकर करती हैं। श्री राम वल्लभा हैं, राघव के वंदन करने के बाद पहले जानकी का वंदन किया गया है, ध्यान रखना। शक्तिमान को वंदन करने के पहले शक्ति का वंदन। राम यदि शक्तिमान है तो हमारी श्री सिया जो शक्ति है। और एक और निवेदन कर दूं नारायण, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम का शरीर बनाने वाली भी वेदांत की दृष्टि से यदि मैं निरूपण करूं तो मां जानकी है। ये जितने भी आपको दुनिया में रचना दिखती सब रचना के पीछे भगवती का ही हाथ है। इसलिए भगवती के वंदन करने के बाद श्री राघव को वंदन किया है और राघव का वंदन भी बहुत अद्भुत वेदांत स्वरूप ही वर्णन किया है। जो वेदांत में श्री राघव के स्वरूप का वर्णन किया गया है, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत सारा का सारा विश्व है, अखिल विश्व है, ब्रह्मादि भी उन्हीं के माया के वशीभूत ही हैं। यद सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम, बहुत दिव्य उदाहरण दिया गया है। मैं आप निवेदन कर दूं आप लोगों को, अगर थोड़ा भी वेदांत का संस्कार होगा तो आप पकड़ पाओगे। परमात्मा का ये विकार नहीं है जगत, ध्यान रखना। परमात्मा का विकार ये जगत नहीं है, ये जगत की जो रचना हुई है परमात्मा का ये विवर्त है। यहां विवर्त शब्द का जो प्रयोग किया गया है, बड़ा अद्भुत शब्द का प्रयोग, यह सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम, इसका अर्थ क्या है? आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप सब पठित हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि बाबा जी केवल ऐसे अर्थ करते रहेंगे, रसीली कथा सुनाएंगे कि नहीं। ये मूल है, इसको आप थोड़ा, हमारा स्वभाव है कि जिस ग्रंथ का मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है वह मूल ग्रंथ उस समीप पहुंचे आप लोगों की, इसकी गरिमा आप तक पहुंचे कि रामचरितमानस है क्या। ये केवल किस्सा कहानी का ग्रंथ नहीं है महाराज, विलक्षण ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों की मति भी इसमें कुंठित हो जाए, देखने में दोहा सोरठा चौपाई ये लगते हैं, किंतु गुरुजनों की यदि कृपा न हो तो इसके अर्थ भी नहीं लग पाएंगे। ये बिना गुरु कृपा के ग्रंथ सिद्ध होने वाला नहीं, अनुग्रह के बगैर ये समझ में आने वाला नहीं है। विलक्षण ग्रंथ है रामचरितमानस। तो मैं निवेदन कर रहा था, इसको थोड़ा समझोगे तो आपको रस मिलेगा। विकार और विवर्त ये दो शब्द हैं। जो विकार हो जाता है उसका स्वस्वरूप में फिर पुनः गमन कभी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, दूध से बना हुआ दही दूध का विकार है। एक बार यदि दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही दूध कभी बनेगा? मट्ठा बन जाएगा, तक्र बन जाएगा, किंतु कभी दूध बनने वाला नहीं है। तो ये जगत जो परमात्मा से बना है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा इस जगत के हैं, तो ये मत समझिएगा कि विकार जैसे बना मनो परमात्मा दूध है और जगत उसका विकार बन करके ये जगत दिखने लगा आपको, ऐसा नहीं है। अगर ये जगत विकार बन जाएगा तो कभी परमात्मा स्वरूप में स्थापित नहीं हो पाएगा, किंतु ये विकार नहीं बंधु, ये विवर्त है। विवर्त का अभिप्राय होता है कि है कुछ और दिखने लगे कुछ, जैसे रस्सी पड़ी हो, या यही उदाहरण दिया गया है यहां। उदाहरण के लिए जो शब्द प्रयोग किया है, यथा रज्जौ अहेर भ्रम, जैसे रज्जू में सर्प का भ्रम हो जाए। रज्जौ माने रज्जू में पड़ी रस्सी है और आपको दिखने लगे कि सर्प है,
आपसे हमारा एक प्रश्न है, क्या क्या रस्सी सर्प बन गई है? रस्सी सर्प बनी नहीं है, भ्रम हुआ है। ऐसे जगत सारा का सारा परमात्मा में है, सियाराम में है, किंतु हमको माया दोष के कारण ये जगत दिख रहा है। है तो ये श्री सियाराम में ही, अगर सियाराम में न होता तो संत तुलसीदास जी महाराज को कैसे दिखता? तुलसीदास जी महाराज की आंखें गुरु कृपा से खुल गई तो सियाराम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, अथवा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। यही उदाहरण नारायण यहां दिया गया है। यद सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रमः, यद पाद प्लवमेकमेव हि भवाम बोधिष्ट तीर्थावताम, वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, जो राम के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे श्री हरि को हमारा बारंबार वंदन है। ये सप्त श्लोक में मंगलाचरण, ये लास्ट श्लोक है मंगलाचरण का, हमारे संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का लिखने का प्रयोजन बता दिया। संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाना पुराण निगमा गम सम्मतोष्मी, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आह बाबा हमारे कहते हैं कि नाना पुराण निगम आगम सबसे में हमारा सम्मत अर्थात सबसे हमने लिया है, इसमें इस रामायण में, रामायणों से भी लिया है, और क्वचिदन्य तोपी कई बातें हमने अन्य जगह से भी ली हैं। अब कई बातें कैसे अन्य जगह से ली हैं, जैसे कई प्रसंग ऐसे हैं, आप लोग रामचरितमानस में पढ़ते सुनते हैं, आप पाठ भी करते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में, राम भागवत में, अन्य पुराणों में श्री परशुराम जी का आगमन, जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ब्याह करके जा रहे थे तब हुआ है, किंतु संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज क्वचिदन्य तोपी में धनुष टूटने के बाद में श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया। ऐसे कई संगतियां हैं जो मर्यादा के लिए, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण जो है वो लीला के लिए है, और लीला के लिए ग्रंथ नहीं है ये, तो मर्यादा के लिए है, भक्ति के लिए है, पुष्टि के लिए है। तो कई चीजें इन्होंने क्वचिदन्य तोपी से अन्य जगह से लेकर अपनी बात भी इन्होंने रखी है। तो कहा ये सब आपने पुरुषार्थ किया क्यों, कारण क्या है पुरुषार्थ करने का? और रामायण में, पुराणों में, महाभारत आदि में सब जगह भगवान की लीला उसमें गाई गई है, फिर तुम्हें अलग ढंग से गाने की जरूरत क्या पड़ गई? किस लिए आपने किया है नया चित्रण, आपने क्यों किया, क्यों रचना की है? इन्होंने कहा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा ने बता दिया ये कि हम दूसरे की प्रसन्नता के लिए नहीं, समाज में कुछ पाने के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। मुझे अच्छा लगता है उनका गीत गाना, मैं कई बार लोगों को सुनाता हूं। कलकत्ता की घटना है, एक सज्जन कलकत्ता में
जब राम जन्म होता था तो बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे राम जन्म महोत्सव पर, और मंदिर को वैसे ही सजाया जाना, लाखों रुपए का उसमें खर्चा करते थे, गरीबों को बांटते थे, खिलौने बांटते थे, नृत्य करवाते थे, बधाइयां होती थी। तो स्वाभाविक है, समाज में हर ढंग के लोग हैं। अब पैसा यहां खर्चा होता होता है तो उनके एक मित्र ने पूछ दिया कि राम जन्म हुए तो इतने हजारों वर्षों बीत गए और ये राम जन्म मना करके आप इतना पैसा व्यर्थ में क्यों खराब करते हो, किसी गरीब को पढ़ाने में दे दो, किसी रोगी को दवा के लिए दे दो, अमुक जगह लगा दो, इतना पैसा व्यर्थ क्यों करते हो। जैसे कथा हो रही तो कई नास्तिक ये भी कहेंगे कि इतना बड़ा पंडाल बनाना, फिर ये करना, इसमें पैसा लगाना, इससे तो अच्छा है किसी गरीब को दे दो, रोगी को दे दो, कहेंगे लोग व्यर्थ में क्यों खर्चा किया जाता है, अमुक जगह खर्चा कर दो, अमुक जगह खर्चा कर दो। तो उनके मित्र ने उनको कहा ये जगह खर्चा कर देते अच्छा होता, ये व्यर्थ में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। उस सज्जन ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उत्तर। उन्होंने कहा राम जी का जब जन्म हुआ था ना तो उस जन्मोत्सव में कमी रह गई थी राजा दशरथ जी के मनाने पर, उस कमी को मैं हर साल पूरा करता हूं। अब पूछने वाले को बड़ा आश्चर्य लगा कि राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के पास इतना वैभव और उनके सचमुच में पुत्र हुआ था इतने दिनों के बाद, तो जो उत्साह उनके चित्त में था और जितना वो खर्चा किए तो ये कमी क्या पूरी करेगी, कमी रह क्या गई थी। वहां उनसे पूछ दिया कि कमी क्या रह गई थी वो बताओ तो सही जो तुम पूरा करते हो। बोले उत्सव में और तो सब कुछ था किंतु उस उत्सव में मैं नहीं था, ये कमी थी। तो मैं उस रस को लेने के लिए, क्योंकि मैं वहां नहीं था, उस रस को लेने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए मैं हर साल ये उत्सव मनाता हूं। तो वाल्मीकि जी महाराज ने और विद्वानों ने, हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने, अन्य अन्य आचार्यों ने जो चरित्र का गान किया है, तो महाराज उनके गाने के बाद आपको क्या लिखने से फायदा मिलेगा, आपको गाने से क्या फायदा मिलेगा। बोले पता नहीं दूसरे को मिले न मिले, किंतु हमारे अंतकरण को सुख मिलेगा और वह सुख के लिए हम स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातम। मैं केवल भाषा बद्ध कर रहा हूं, भाव किसी और के हैं, ध्यान रखिएगा। हम कई बार देखते हैं कि किसी ने कोई बात कही और उसके भाव बहुत अच्छे लग गए, तो मैं कई बार उस भाव को संस्कृत के श्लोक में परिवर्तित कर देता हूं, कई भाव कविता में कर देता हूं। भाव तो दूसरे के थे, केवल उसको हमने भाषा दे दी। कई भावों को हमने चुराया है लोगों से, चुराया क्या कहा जाए उसको, क्योंकि भाव तो कहीं ना कहीं से है ही, नई बात तो हमको मिलने वाली है नहीं, भाव आचार्यों के पहले से उपस्थित हैं। तो कई बार उन्हीं भावों को लेकर के, भाव प्रबंध में आकर के उसको केवल वाक्य दे देते, भाषा दे देते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप लोग ये मत समझिएगा कि रामचरितमानस का रचयिता मैं हूं, मैं रामचरितमानस का रचयिता नहीं हूं, केवल मैंने भाव दिया, भाषा दी है उन भावों को, ये भाव तो पहले से विराजमान थे। इस प्रकार कहकर के नारायण अब सोरठा में इन्होंने वंदन किया। पांच सोरठाओं में जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करीवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इसमें श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ें गिरीवर गहन। इसका अनुवाद तो हमारे श्री सीधर स्वामी जी महाराज ने कहा ही है, ये मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। बाद में अपने गुरुदेव को वंदन करते कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। आह
अद्भुत प्रयोग किया है। शास्त्र की मर्यादा ये है, आत्मनाम गुरोर नाम ज्येष्ठ पुत्रस्य च, अपना नाम और अपने गुरु का नाम, आत्मनाम गुरोर नाम और जो बड़ा पुत्र हो उसका नाम, पत्नी का नाम और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो बाद की बात थी, आजकल तो कलयुग में जब तक नाम न ले लें तब तक रोटी न पचे। तो तुलसीदास जी महाराज को अपने गुरुदेव की वंदना करनी और गुरु का नाम बार बार लेते नहीं है, तो क्या किया जाए। बड़ा सुंदर प्रयोग किया उन्होंने, आज मैं उसको पढ़ रहा था हृदय बढ़ाया कि अद्भुत विलक्षण प्रयोग किया बाबा ने। बंदो गुरुपद कंज, गुरुदेव के चरण कमलों को वंदन करता हूं। कौन है गुरुदेव? बोले कृपा सिंधु, जो कृपा के सागर हैं, हैं तो हरि ही किंतु नर रूप धारण करके आ गए हैं। देखिए है हरि किंतु नर रूप धारण करके आ गए हैं, एक तो एक अर्थ हो गया सीधा और दूसरा सही बात पे, इनके गुरुदेव का नाम था नर हरियानंद जी महाराज, तो नर हरि का ही अर्थ यहां हो गया नर रूप हरि। क्यों भाई, क्यों उनको वंदन कर रहे हो? बोले बहा बोह तब पुंज, हमारा जो मोह है वो महामोह है, अंधकार का पुंज है। जाशु बचन रविकर निकर, महाराज जिनके वाक्य जो है, जिनकी वचन शैली सूर्य के किरणों के समान है, जैसे चाहे कितना पुराना अंधकार हो, हजारों वर्षों का अंधकार हो, किंतु उसके बाद भी यदि सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे हमारे जन्म जन्म के अज्ञान को मिटाने के लिए हमारे गुरुदेव के वचन शैली है। बंद हूं गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करके महाराज ऐसी भाव अभ्यक्ति वंदन करने के बाद इन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। भूषुर माने ये ब्राह्मण देवता, उनको वंदन है और ब्राह्मणों के वंदन करने के बाद संत चरणों को वंदन किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधुजनों का स्वभाव कपास के समान होता है, और महाराज देखो तो सही, अपने जैसे कपास अपने को मिटा करके भी धागा बना करके और दूसरों के छिद्रों को महाराज ढक देता है, ऐसे संत जन भी दूसरों के दुर्गुण को ढक देते हैं, छिद्रों को ढक देते हैं। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, स्वयं तो दुख सहते हैं और दूसरों के दोषों को छुपा लेते हैं। बंदनीय जय जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये महाराज जो संत समाज है वह तीर्थराज प्रयाग के समान है। क्यों भाई? तीर्थराज प्रयाग में तीन धाराएं एक जगह मिलती हैं, गंगा की धारा, यमुना की धारा और सरस्वती की धारा। ये त्रिवेणी जहां है वहीं तीर्थराज प्रयाग है। तो ये संत जन जो जहां इकट्ठे होते हैं, संत समुदाय क्या है? ये प्रयागराज है। क्यों भाई संत समाज प्रयागराज क्यों है? क्योंकि संतों के अंतकरण में भी अलग अलग धारा बहती रहती है। किसी संत के अंतकरण में कर्म की धारा बहती, निष्काम कर्म की,
किसी के अंतःकरण में भक्ति की धारा बहती है और किसी संत के अंतःकरण में ज्ञान की धारा बहती है, और भक्ति ज्ञान कर्म की धारा का नाम ही नारायण यहां पर त्रिवेणी रखा गया है। तुलसीदास जी महाराज ने उस धारा का नाम भी खोल दिया, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। राघव की जो भक्ति है, राघव का जो प्रेम है, वह सुरसरी है अर्थात मां गंगा है, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये सरस्वती जो है वह ब्रह्म का विचार प्रचार जो है, जो ब्रह्म का चिंतन है, ब्रह्म का जो कथन है, वह सरस्वती की धारा है। और विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी वरणी, ये करो ये न करो, ये जो विधि निषेध है ना वो कर्म कथा है, कर्मकांड में होता है ये विधा है, ये निषेध है, ये प्रवृत्त विधि है। तो ये कौन है? बोले रवि तनया है। कर्म कथा रवि नंदनी वरणी, ये रवि नंदनी है, ध्यान रखिए, रवि नंदनी यमुना है और रवि नंदन यमराज हैं। हमारे श्री ठाकुर जी के साले का नाम यमराज है भाई, ध्यान रखना, और ठाकुर जी आपके अपने हो जाएंगे तो साला फिर क्या करेगा, साला तो साला ही है। और जो यमुना महारानी है वो भगवान की पटरानी है। तो रवि जो तनया है, रवि नंदनी जो है, वह निश्चित रूप से साक्षात यमुना ही रवि नंदनी है। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इस प्रकार से महाराज सत्संग की महिमा बड़ी गाई, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बंधुओं ध्यान रखना, संसार में बिना सत्संग किए विवेक नहीं होगा। विवेक माने होता है विक पृथक भावे, दो चीजें अलग अलग करने का नाम विवेक है। जो सत और असत मिले हुए हैं, माया और परमात्मा दोनों मिले हुए हैं, ये जो दोनों मिले हुए हैं इनको जब तक अलग नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। पहचानोगे कैसे? जैसे हमारी माताएं जब चावल बनाती हैं तो चावल बनाते समय चावल से कंकड़ अलग कर देती हैं, तो यदि कंकड़ अलग नहीं करेंगी तो चावल का रस मिलेगा नहीं, कंकड़ आपके रस विरस कर देगा। तो जैसे कंकड़ों का अलग करना है वैसे यहां पर भी दोनों का अलग अलग करना है, माया ब्रह्म को अलग अलग करना है। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका जो अलग अलग करना है ये बिना सत्संग के नहीं हो सकता है, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता है। मैं तो डंके की चोट से लोगों को कहता रहता हूं, भागवत की कथा पर भी इस पर बहुत जोर देता हूं मैं, कि भगवान जीव जब पर कृपा करते हैं तब उसे धन नहीं देते हैं। मोजी जी सावधान, लोग यही समझते हैं कि भगवान की कृपा से धन आता है, भगवान की कृपा से धन बिल्कुल नहीं आता है। आज तक मुझे किसी भी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला या किसी संत के मुखारविंद से सुनने को नहीं मिला कि भगवान की कृपा हुई तो धन मिला, बिल्कुल कहीं नहीं। न प्रतिष्ठा, न सम्मान, न यश, न कीर्ति, ये सब अपने प्रारब्ध से मिलते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है जो पहले आपने आरंभ किया है, जो पहले आपने कर्म किया। कर्म है तीन प्रकार के, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जैसे आप जो अभी कर्म कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये कर्म है एक प्रकार का। ये कर्म करना ये क्रियमाण कर्म है, और इस कर्म का जो फल इकट्ठा होगा उसका नाम होगा संचित। जैसे जो कमाया जाता है वो क्रियमाण, और जो बैंक में पहुंच जाता है टैक्स आदि भरने के बाद
उसका नाम संचित। और वही जब बैंक से आप अपने उपयोग के लिए निकाल कर ले आते हो कि गाड़ी खरीदनी है, मकान बनाना है, ब्याह करना है, तो जो वहां से निकाल करके लेकर आ गए उसका नाम प्रारब्ध है। तो जो आपने क्रियमाण किया था वही इस समय संचित बन करके प्रारब्ध बन करके आ गया है। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है। तो भगवान यदि करेंगे तो क्या करेंगे, बड़ा सुंदर स्वभाव महाराज इन्होंने वर्णन किया है। भगवान यदि कृपा करते हैं तो संत का संग दे देते हैं। जिस दिन आपके जीवन में कोई संत आ जाए, जान जाना भगवान की कृपा हो गई। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग कब मिलता है, जब राम की कृपा होती है, राम की करुणा होती है। और राम की कृपा किस पर होती है, बिना किए कुछ हो जाएगी। अब तो पता नहीं हमको, अपने नाम तो बहुत वर्ष हो गए सब छोड़े, पढ़ाई वगैरह। पहले जब पेपर आदि दिए जाते थे तो मानो कोई बच्चा 50 अंक में पास होने वाला है और उसको 48 मिले, तो गुरुजी को करुणा आ गई अध्यापक को। उसने क्या किया, 2 अंक दे तो दिए पास करने के लिए, किंतु 2 अंक में क्या लिख देता है, कृपांक। ये पास के योग्यता तो नहीं है किंतु एक कृपांक है। अभिप्राय क्या है कि आपने पुरुषार्थ किया था, थोड़ी कमी रह गई तो कृपा कर दी गई। और कोई बच्चा पूरा का पूरा पेपर छोड़ा एक बिना की खाली कापी रख दे और उसमें लिख दे, हे गुरुजी आप तो करुणा के भंडार हो, आप तो माता पिता से भी ज्यादा सहज सरल हो, आप कृपा करके इस अबोध बालक को पास जरूर कर देना, तो गुरुजी कृपांक देंगे कि डबल लड्डू खिलाएंगे। कृपांक मिलने वाला नहीं है। भगवान कृपा उसी पर करते हैं जो महाराज थोड़ा पुरुषार्थ करता है। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं कि छोटे छोटे जो बालकों को मैं देखता हूं, ये बालक स्वयं उठने का प्रयास न करें, स्वयं चलने का प्रयास न करें, तो कोई मां चला पाएगी, कोई बाप चला पाएगा। वो चलने का प्रयास करता है किंतु गिर जाता है, लड़खड़ा जाता है, तो मां करुणा करके हाथ पकड़ करके उसको चला देती है, चल भाई अब हाथ पकड़कर तुमको चलाने का अभ्यास। तो गुरुजन भी यही करते हैं, भगवान भी यही करते हैं। आप जब चलने का प्रयास करते हैं, भगवत प्राप्ति का प्रयास करते, कृपया शिष्य बंधने, तो भगवान आकर करुणा करके महाराज कर देते हैं। तो यहां इन्होंने यही कहा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और सठ सुधर ही सत संगति पाई। बड़ी सुंदर बात कह दी। हमारे जीवन में भगवान की कृपा जब होगी तब हमको मिलेगा संत संग सत्संग, और जब सत्संग हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा सुधार होगा। इनको ने तो बड़ा सुंदर शब्द, सठ सुधर ही सत्संगति पाई। संत जनों का संग पाकर के व्यक्ति का सुधार हो जाता है। आज उड़ीसा में एक बालक हमारा कथा करने गया, 7 बच्चे हैं जो कथा करते हैं शिष्य जन। तो एक सज्जन कथा सुनने के लिए आए थे, बड़े उद्योगपति। उस बालक से कोई बातचीत हुई तो बालक की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि गुरुदेव की कृपा से सब ये हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो उसने मेरा नाम बता दिया। तो महाराज बिना बातचीत किए वो हमारे श्रीधाम वृंदावन में आए दिसंबर में, वहां भक्तमाल की कथा चल रही थी।
कथा सुन करके वो रोने लगे। भक्त चरित्र है इतना रसीला, मैं भी आनंद ले रहा था। उन्होंने कहा कि महाराज हमको दीक्षा दे दो। हमने कहा मैं ऐसे सबको दीक्षा देता नहीं हूं, पहले आप हमको जानो फिर शिष्य बनना। हम कोई माइक से दीक्षा देने वाली परंपरा की नहीं है। रोने लगे और बोले 40 साल से मैं शराब पी रहा हूं, 40 साल में ऐसा भी शायद नहीं हुआ होगा कि हमारे घर में लोग मरे तब भी हमने शराब नहीं छोड़ी। उधर जलाकर गए, इधर शराब पी, किंतु यदि आप दीक्षा दे दोगे तो हम आज से शराब पीना छोड़ देंगे। तो हमने सोचा ये तो काम बढ़िया फायदे का है, ये भले भगवान नाम न जपे कम से कम मदिरा पीना तो छोड़ दे। महाराज उसने दीक्षा ली, छोड़ दिया। मेरे से तो बात करने में बहुत डरता है, मेरे शिष्य से ही बात करता है। आज मैसेज आया था हमको तो आंखों में आंसू आ गए, ये सब करते भगवान ही हैं, किसके निमित्त क्या करवा लेते हैं। अधिकतर इतने दिन तक शराब पीने वाला व्यक्ति यदि शराब छोड़ दे तो कोई ना कोई रोग उसको पकड़ लेते हैं। किंतु उसने लिखा है कि हमने तो आज तक ऐसा लगता ही नहीं कि कभी शराब पिए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई नहीं। मैं ये वाक्य पढ़ करके मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये ठाकुर का ही अनुग्रह उस पामर पर था। कोई न कोई माता पिता के उनके कर्तव्य रहे होंगे, संकल्प रहे होंगे, जिस माध्यम से पूरा करा दिया। तो निश्चित तो नारायण यह है कि सठ सुधरे ही सत संगति पाए। सठ भी सुधर जाता है सत्संगति पा करके। पारस परस कुघात सुहाई, एक पाषाण है पारस, उसका स्पर्श पाने से सोना लोहा भी सोना बन जाता है। और सच में कुसंगति वाले लोग भी यदि सत्संगति प्राप्त कर जाए तो निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन होगा। वैसे तो ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया भाव, तो बाबा पर बलिहार होते रहते पाठ करते करते। बोले साधुओं की महिमा तो बहुत शास्त्रों में गाई गई है, कहत साधु महिमा सकुचानी। हमको तो साधुओं की महिमा कहने में बड़ा संकोच होता है। क्यों संकोच होता है? जैसे सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से कोई कहे कि हीरे की कीमत क्या होगी जरा बताओगे? साक बनिक मनि गुनगन जैसे। अरे नारायण, सब्जी वाले को तो सब्जी की कीमत पता होती है, वो क्या हीरे की कीमत बता पाएगा, क्या हीरे की कीमत आंक पाएगा? वो तो हीरे की कीमत कोई जौहरी ही जान सकता है, सब नहीं जान सकते। सब्जी बेचने वाला क्या जानेगा? तो संतों के गुण तो महाराज मणियों के समान है, हीरे हीरों के समान है। और ये साक बेचने वाला व्यक्ति क्या उनकी महिमा गा सकता है? बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध करो। आह, हाथ में जैसे पुष्प आता है तो वह सुवासित कर देता है। हमारे श्री नीतिकार ने तो एक बड़ा रसीला भाव रखा है। वो कहते हैं कि हमारे संत जन चंदन के समान है। अब देखिए, चंदन के वृक्ष को यदि कोई कुल्हाड़ी काटने के लिए जाती है तो कुल्हाड़ी का अमंगल नहीं होता है, अपितु उसमें भी लगा हुआ जो लकड़ी का बेट है वो भी चंदन बन जाता है, वो भी सुवासित हो जाता है। और महाराज इस प्रकार से इन्होंने संतों को वंदन करके कहा कि हमारे ऊपर कृपा करेंगे और राघव के चरित्र गान करने में मुझे सहयोग करेंगे। वारे वाह बाबा, हमारे
इन्होंने बहुरी बंद खल गन सती भाए, सज्जनों की वंदना करने के बाद इन्होंने दुर्जनों की भी वंदना की, खल पुरुषों की भी वंदना की। मैं एक निवेदन कर दूं आप सबको, ये दोष और गुण ये संघ के आधार पर आ जाते हैं। कब सज्जन दुर्जन बन जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं है, और कब दुर्जन सज्जन बन जाएगा इसका भी पता नहीं है। इसलिए हमारे तो गुरुदेव कहते थे सराहो मत निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। आप दुर्जनों की भी निंदा मत करिए, आज जिनकी निंदा कर रहे हो सकता है आपको कल उनकी प्रशंसा करनी पड़ जाए, और जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हो सकता है कल आपको उनकी निंदा करनी पड़ जाए, और होता है। एक 15 साल से संपर्क में हमारे एक देवी थी, डॉक्टर थी, और महाराज ऐसा खून निकालना जानती थी, आज तक हमको ऐसा खून निकालने वाला नहीं मिला। हम गुजरात जब भी जाते थे तो उससे खून निकलवा कर सब टेस्टिंग करवाते थे, क्योंकि सुई चुभने का भी कष्ट नहीं होता था मेरे को। रवि लोरमी में कथा थी हमारी, लोरमी कथा पूरी होने के बाद मैं गुजरात चला गया, कुछ काम था, तो मैंने सोचा आ गया हूं तो कई दिनों से कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच नहीं करवाई, और ये बढ़िया खून निकालने वाली डॉक्टर है, चली है, इससे निकलवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मैंने फोन किया उनको, तो कहा कि गुरु जी कल आ जाऊंगी सुबह सुबह, आप 9 बजे तक कुछ लेना नहीं। मैंने कहा कि नहीं लूंगा महाराज। 3 सिरिंज लेकर के आई, हम सोचा पता नहीं 3 लेके क्यों आई है। 2 बार तो इस हाथ में हमारे चुभोया, इतना कष्ट हुआ कुछ पूछो नहीं, और तब भी उस बाबरी को नसें नहीं मिली। फिर वो सुई खराब हो गई, फिर दूसरी इसमें चुभोई, इसमें भी मारा 3 जगह छेद किया और नसें नहीं मिली। फिर मेरे से हाथ जोड़ करके बोली, गुरुजी लगता है आपकी नसों में कुछ गड़बड़ हो गया है, नसें नहीं मिल रही खून वाली हमको। फिर बोली कि अच्छा एक काम करो, मैं छोड़ देती हूं, और मैं अपने जहां से आता है उसको बुलाते, 1 घंटे बाद वो आया, तुरंत निकाल के ले गया, और वो जो 3 जगह छेद किया था उसका 2 दिन तक कष्ट रहा। तो मैं बाद में विचार करने लगा कि जो भी डॉक्टर हमारे कभी भी खून लेता था तो मैं उसकी याद करता था, और कहता था कि ऐसा खून लेने वाला आज तक हमको कोई मिला नहीं है, और सब उल्ट गया मामला। मैंने पूछा बात क्या हुई, बोले उस देवी ने कहा कि बच्चों को देखने के चक्कर में मैंने साल भर से किसी का खून निकाला ही नहीं है, और डॉक्टरी मैंने छोड़ दी है, वो तो आपके वजह से मैं आ गई थी, तो मुझे लगा कि ये देखिए जो अभ्यास होता है ना चीज का, वो अभ्यास यदि जीवन में बना रहे तो वो गुण बने रहते हैं, अगर अभ्यास छूट जाए तो जिसके साथ अभ्यास हो जाए वही हो जाता है। उस दिन मेरे चित्त में आया कि वाह भाई, सच में गुरुजन जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि ज्यादा किसी की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, और न किसी की निंदा करने की जरूरत है समाज में कि बहुत खराब है बहुत खराब है बहुत खराब है। कब अच्छा से अच्छा व्यक्ति दुर्जन बन जाएगा, कब दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति सज्जन बन जाएगा। इसलिए हमारे तुलसीदास जी महाराज तो सज्जनों की भी वंदना करते हैं, दुर्जनों की भी वंदना करते हैं। बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। ये खल लोग जानते हो कैसे होते हैं, दुष्टों का स्वभाव होता है दूसरे का हित हो रहा हो तो उनकी हानि है, मारे पर हित हानि, और यदि किसी की हानि हो रही हो तो उनका लाभ है, अकारण ही उनको कुछ से मिलना जुलना नहीं है।
महाराज कहीं किसी का कोई मर जाए तो बड़े खुश, अच्छा हुआ मर गया, अकारण ही। और महाराज दूसरों के दोष देखने के लिए तो हजारों आंखों से देखते हैं, ऐसे दुर्जनों को भी हमारा वंदन है। महाराज बड़ा सुंदर यहां वर्णन किया, मुझे अच्छा लगा ये भाव, एक कवि का है। ये दुष्ट लोग महाराज अपना तुलसीदास जी महाराज इनकी क्यों वंदना कर रहे हैं, दुष्टों की? दुष्टों की वंदना सचमुच में करनी चाहिए। एक तो कारण यह है कि उनकी वंदना करोगे तो विघ्न उपस्थित नहीं करेंगे, कम से कम सोचेंगे कि हमारे पास पानी आने मिल रहा है तो हमको ठीक है, और उनकी वंदना का बंद कर दिए तो महाराज आपको उपद्रव और करेंगे, विघ्न और उप करेंगे। और अध्यात्म की भाव से देखा जाए यदि, बोले सर्वस्व आपनो विकार सिरधार यम दूत मार। ये दुर्जन कैसे होते हैं, खल कैसे होते हैं, बोले सब कुछ अपना बिगाड़ते हैं और बाद में यमदूतों की मार भी सहते हैं। सब प्रकार खल धोए साधुन के मलन को। ये दुष्ट लोग सम्यक प्रकार से साधुओं के मल को धोते रहते हैं। आप कहोगे साधुओं के मल को धोते क्यों रहते, ये दुष्ट लोग ने जो दुर्जन लोग हैं ना, हमारे एक संत कहते थे जग में हितुआ दोए हैं, जग में हितुआ दोए हैं निंदक माई बाप। जग में हित करने वाले आपके दो लोग हैं, कौन कौन से दो लोग हैं, बोले निंदक हैं और माई बाप हैं। आप कहेंगे निंदक कैसे हित करता है, जग में हितुआ दोए हैं निंदक माई बाप, और मामल धोवे हाथ सो निंदक जीव सो पाप। ये मात अगर बच्चा गंदा होता है ना, मल लगा होता है, तो मां तो हाथ से धो करके उसको निर्मल बना देती है, और ये खल लोग अपनी जीव से उसका पाप धो धो करके उसको निर्मल बनाते हैं। ध्यान रखना, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो अपनी जीव से उसके पापों को ही धोते हैं। इसलिए निंदा जैसे महापाप से दोष से बचना चाहिए, कभी किसी की निंदा न करें। और निंदा में महाराज, और निंदा सुने भी नहीं, जितना बड़ा निंदा सुनना पाप है उतना निंदा करना पाप है। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप सब पठित हैं, कोई अपने घर की सारी गंदगी झाड़ करके यदि आपके घर में डालना चाहे तो डालने दोगे, हां कि ना? पक्का है ना? किंतु महाराज ये दूसरों के घर की नहीं, सब अपने घर की गंदगी, ये निंदा की गंदगी, और आपके कान के दरवाजे से जाकर आपके दिल में डाल करके चले जाते हैं। आप कहते और सुनाओ फिर क्या हुआ, हम बड़े प्रेम से सुनते हैं। हमने महाराज देखा कि एक सज्जन अपने बेटे से बहुत दुखी थे, बेटा विदेश में रहता था, मैं उससे कभी मिला नहीं था, और वो सज्जन जब भी मिले तो अपने बेटे की निंदा करते थे, और मैं सोचता था चलो इनको हमारे कहने से इनको शांति मिलती तो मैं सुन लेता था। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वो जब बच्चा मिला हमको तो मैंने तो उससे बात ही नहीं किया, और मुझे लगा कि दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति है ये। मेरे पास कई बार आया क्योंकि हमने उसने सुन सुन करके हमारे अंतकरण को उसके प्रति बिगाड़ दिया था। अब हम उसको जानते भी नहीं थे, अब उसके बारे में जो उसके पिता ने हमको बताया था हम वही धारणा में थे। संयोग से मैंने महाराज देखा कि वो बालक, एक माताजी रास्ते में गिर गई, और गिरते ही महाराज उसने तुरंत उठाया, और उठा करके महाराज अपने उसकी लार आ गई, सब आ गए, अपने रुमाल से पोछा और पोछ करके अपनी गाड़ी में बैठा ला। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि तो बड़ा कोमल अंतःकरण का है। बाद में जब उससे मिला तो मुझे पता चला कि इसके पिता ने हमारा दिल खराब कर दिया था। याद रखिए, जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो हमारा अंतःकरण खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी के आकार का हो जाता है।
हम कई बार देखते किसी के बारे में कोई कह दे कि ये दुष्चरित्र है, अब वो सामान्य ढंग से भी किसी स्त्री को देखता है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दुष्चरित्र आदमी है, वो देखो कैसे घूर रहा है। अब वो है नहीं वैसा, क्योंकि उसके प्रति हमारा अंतकरण खराब हो गया है। तो निंदा जितना सुनना पाप है उतना नयन करना पाप है, ऐसे लोगों को भी महाराज इन्होंने बंधन किया है। इसलिए दोनों को बंधन करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते एक बात कहें, बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे ही, संत और दुर्जन दोनों बराबर। कहा कि दोनों बराबर कैसे, बोले दुर्जन जब मिलता है तब दुख देता है और सज्जन जब बिछुड़ता है तब दुख देता है, दुख देने में दोनों बराबर हैं, किसको छोटा और किसको बड़ा कहा जाए। उसके बाद महाराज इन्होंने बंधन करने के बाद, सज्जनों को बंधन करने के बाद इन्होंने महाराज मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गाई, और महिमा गाने के बाद इन्होंने नारायण बड़े भाव से भगवान शंकर को भी बंधन किया है। अवध की वंदना की इन्होंने, अवध की वंदना की, अवध वासियों की वंदना की, जनक की महाराज जनकपुर की वंदना की, और जनकपुर के वासियों की भी महाराज इन्होंने वंदना की है, और बाद में अवध वासियों की वंदन करते करते महाराज बंदहू अवध भुवाल, अवध के राजाधिराज श्री जनक महाराज दशरथ जी महाराज को वंदन है। सत्य प्रेम जहि राम पद, सच में उनका प्रेम राम के प्रति था, वह सत्य ही था। क्योंकि नारायण जो प्रेम होता है ना, हमारे श्री जुगो स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि संसार में विशुद्ध प्रेम होता नहीं है, और यदि हो जाए तो फिर विरह नहीं होता, और विरह हो जाए तो कोई फिर जी नहीं सकता है। सत्य प्रेम न भवति मानुषे लोके, यदि भवति तस्य को विरह, फिर उसको विरह कैसे हो सकता है, और विरह यदि होता है तो फिर कोई जीता नहीं है, जी नहीं सकता प्रेम विरह में। तो ऐसा लगता है इन्होंने यही शब्द का प्रयोग किया, बंधु अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, उनका जो प्रेम था राम के प्रति, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेव, तिनके के समान उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अवध को अभिवंदन करने का, विदेह का अभिवंदन किया नारायण, और बाद में श्री भरत जी महाराज को वंदन करते हुए कहते, जा सुने में व्रत जाई न वरना, जिनके महाराज व्रत का कौन वर्णन कर सकता है, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न तासु। बाद में लखनलाल जी को वंदन किया, कहा शीतल सुभाग सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। ध्यान दीजिएगा, हमारे श्री राम जी का यश झंडे के समान है, और आप जानते हैं झंडा कब फहराता है, बिना डंडे के कोई झंडा फहराता है, आप डंडा झंडा ऐसे लेके चलो डंडा न लगाओ तो झंडा कैसे फहरेगा, झंडा को फहराने के लिए डंडा चाहिए। आप देखेंगे पूरे के पूरे में, पूरा रामचरित्र आप मानस पढ़ लीजिएगा, राघव का यश रूपी झंडा तब फहराया है जहां लखन जी डंडा बनकर खड़े हुए। इसलिए हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने वंदना करते समय बड़ी सुंदर बात कही, बंदहू लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। अधिकतर लोग समझते हैं कि लखनलाल जी बहुत कठोर हैं, बड़े गुस्सैल हैं। लखनलाल जी गुस्सैल बिल्कुल नहीं है, शीतल है, किंतु महाराज जो उनको पाठ मिलता है, रघुपति कीरति विमल पताका, हमारे श्री राघव की जो विमल कीर्ति है वो झंडे के समान है, और दंड समान भयो जस जाका, दंडे के समान जस जिनका श्री लखनलाल जी का उनको बंधन है। बार शेष सहस शीस जर महाराज जग कारण, सो अवतरेव भूमि भय तारण, ये साक्षात शेषावतार है, उनको बंधन किया गया है। रिपसूदन को भी बंधन करते हुए कहा, ये तो भरत के अनुगामी है। बाद में नारायण
हनुमान जी महाराज की तो एक दोहा में भी और एक चौपाई में, दोनों में वंदना की गई है। महावीर बिनवहु हनुमाना, हमारे श्री राघव वीर हैं और श्री हनुमान जी महाराज महावीर हैं। महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम का यश सब लोग गाते हैं और राम जिनका यश गाते हैं वो श्री हनुमान है। अभी मैं एक चरित्र पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आनंद आया। श्री नारद जी महाराज भगवान के दर्शनार्थ गए नारायण के, भगवान मिले नहीं तो अंदर बैठे थे, तो कहा बाहर बैठकर देखने लगे तो बड़े बड़े रजिस्टर रखे थे। नारद जी महाराज ने सोचा कि इन रजिस्टरों में किसका हिसाब है। एक रजिस्टर खोलकर देखा तो ऊपर लिखा हुआ था भक्तों के नाम। पन्ना खोला तो सबसे प्रथम पेज पर, प्रथम पंक्ति पर श्री नारद जी महाराज का नाम था। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सोचने लगे कि दुनिया में अभी तक जितने भक्त हुए हैं उन भक्तों में हमारा अग्र पंक्ति में नाम है, सबसे पहले नंबर पे है। फिर बाद में वो कौतुकी महात्मा, उन्होंने सोचा कि हनुमान जी महाराज का नाम कहां है। तो जितने रजिस्टर रखे थे सब खोजे, हनुमान जी का नाम ही नहीं मिला। बड़े हैरान कि हनुमान जी जैसे भक्त प्रेमी सेवक और उनका नाम ही कहीं नहीं है। परेशान होकर के महाराज उन्होंने क्या किया, बोले हनुमान जी को ही बताते हैं और उन्हीं के द्वारा कुछ करवाते हैं। हनुमान जी महाराज को लेकर भगवान के यहां आए, भगवान जान गए। मुस्कुराकर हनुमान जी से बोले कि इसलिए लाए होंगे तुमको कि तुम्हारा नाम भक्तों के लिस्ट में नहीं है। हनुमान जी महाराज तो मौन, नाम के लिए थोड़ी भक्ति करते हो, तो नारद जी की लीला थी। उन्होंने नारद जी को कहा कि महात्मा जी, ये जितने रजिस्टर तुमने देखे ना, उनमें उन भक्तों के नाम लिखे जो हमारा भजन करते हैं। और अंदर से डायरी लेकर के आए और देख करके बोले इसमें देखो। तो देखा तो हनुमान जी महाराज का पहले नंबर पर नाम था। बोले मामला क्या है, बोले वो रजिस्टर है उनके हैं जो हमारा भजन करते हैं, ये डायरी में उनका नाम है जिनका भजन हम करते हैं। तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज का भजन स्वयं भगवान करते हैं। राम जासु जस आप बखाना, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने मुखारविंद से जिनका यश गाते हैं। बाद में महाराज प्रणो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। श्री पवन कुमार को वंदन है जो खल रूपी वन को जलाने के लिए पावक के समान है, ज्ञान रूपी मेघ हैं जिनके अंतकरण में श्री राघवेंद्र सरकार निवास करते हैं। जास हृदय आगार, आगार माने होता निवास स्थान, जिनका हृदय ही राम का निवास स्थान है। राम जी कैसे उनके अंतकरण में रहते, बोले बसहीं राम सर चाप धर। महाराज जिनके अंतकरण में, जिनके हृदय में भगवान स्वयं चाप धारण करके, धनुष धारण करके विराजते हैं। बाद में कपिपति महाराज ऋषि निशाचर राजा अंगदादि जे की समाजा सबको वंदन किया है। और कहां तक नारायण कहें कि जितने वक्ता अभी तक हुए हैं, सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद, इन सब महात्माओं को वंदन है। और महाराज सबको वंदन करते हुए कहते हैं सबके चरणों में हमारा वंदन है। बाद में गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनही परम प्रिय खिन। और ये वंदन करने के बाद नौ दोहों में और 91 पंक्तियों में
हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने नाम भगवान की वंदना की है। सच में नाम भगवान की बहुत महिमा है और कलयुग में तो नारायण भगवान नाम की अद्भुत महिमा है। नाम की क्या महिमा है जो उन्होंने वर्णन किया उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। हम सब पहले एक भजन का आनंद ले लेते हैं क्योंकि हमारे संत चरण राम नाम के ही मोती बिखारते रहते हैं, भगवान नाम के ही मूर्ति परिता भगवत चरित्र के मोती बिखारते रहते हैं, चाहे वह प्रवचन के माध्यम से चाहे वह भजन के माध्यम से। आओ हम सब संकीर्तन भजन के माध्यम से पहले कान रस लेते हैं, उसके बाद जो नाम की महिमा है नारायण कलयुग में सच में अद्भुत महिमा है राम की नाम की, आइए हम सब उसका रस लेंगे। पहले बाद में पहले हम सब भजन का रस लेते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। एक दिन ऐसा आएगा, धन
दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। तू करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वे सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोना वालों सुन लो, चांदी सोना वालों
बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राघवेंद्र सरकार की जय, नाम भगवान की जय। ये तीन अभिन्न हैं, साथ में चौथे के कारण ये तीन अभिन्न हैं, चार को मिलाकर के। भगवान की यदि लीला धाम और नाम इनको तीन होंगे, एक तो लीला, दूसरा धाम और तीसरा नाम। ये तीनों में से आप किसी की भी निष्ठा पकड़ लीजिए, वैसे तो को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन छोटा और कौन बड़ा ये कहना तो अपराध ही है, किंतु जहां जिसकी निष्ठा होती है निश्चित रूप से उसको बड़ा मानना ही चाहिए।
मैं कई बार विचार करता हूं कि संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन में भगवान तक पहुंचाने का साधन क्या है, नाम है, रूप है, लीला है, धाम है। वह रूप के माध्यम से पहुंचे कि लीला के माध्यम से पहुंचे कि धाम के माध्यम से पहुंचे, ध्यान रखना गोपांगनाएं पहुंची हैं रूप के माध्यम से, मीरा पहुंची है लीला के माध्यम से, रुक्मिणी पहुंची है लीला के माध्यम से, केवट आदि ये पहुंचे हैं लीला के माध्यम से। तो कोई लीला के माध्यम से पहुंचता है, कोई महाराज रूप के माध्यम से पहुंचता है, और कई लोग धाम की महिमा के माध्यम से भी पहुंच जाते हैं। अवध की महिमा है, वृंदावन की महिमा है, क्योंकि धाम और धामी अभिन्न है। आप धाम का संग ले लीजिए या धामी का संग ले लीजिए, और कई लोग तो नारायण भगवान नाम के आश्रित पहुंच जाते हैं। तो हमारे श्री संत तुलसीदास जी महाराज का आश्रय है भगवान नाम, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंद हूं नाम राम रघुवर को, हे तु कृषानु भानु हिम कर को। कारण मैं कई बार लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, मानो 100 ट्रक, ये संख्या में कम बता रहा हूं, 1000 भी कह सकता हूं, 10,000 भी कह सकता हूं। उदाहरण के लिए समझिए कि 100 ट्रक रुई हो, उसको जलाने के लिए कितने ट्रक आग चाहिए मोदी जी? 100 ट्रक रुई को जलाने के लिए कितने ट्रक आग चाहिए? एक चिंगारी चाहिए। वैसे जन्म जन्म के पाप हों, जिनकी हमारे आपके पास गिनती भी न हो, उन पापों को जलाने के लिए केवल भगवान नाम की एक चिंगारी चाहिए। कृषाणु है, आग है। हिम को जैसे भानु की किरणें पिघला देती हैं, वैसे जन्म जन्म के पापों को पिघला करके बहा देने का काम भगवान नाम में है। और सच में ये महापुरुष लोग भगवान नाम की महिमा जानते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, जिस महामंत्र को श्री महेश भगवान शंकर जपते रहते हैं, और उस जपने का फल क्या होता है? काशी मुक्त हेतु उपदेशु, शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है काश्याम मरणान मुक्ति। काशी में कोई मर जाए तो उसको मुक्ति मिलती है, और एक श्रुति है ज्ञानान मृते ज्ञानान मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। तो काशी में मुक्ति कैसे मिलती है? काशी में ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान नाम का दान हमारे भगवान शंकर करते हैं। वहां गणेश जी महाराज महिमा जानते हैं भगवान नाम की। महिमा जासु जान गण राहु, गणेश जी महाराज, और मंत्र एक नाम लिख करके परिक्रमा लगा ली, काम बन गया। प्रथम पूजा के अधिकार, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये भगवान नाम के प्रभाव से इनकी प्रथम पूजा होने लगी। जान आदि कवि नाम प्रतापो, अगर किसी से पूछना है नाम का प्रताप क्या है, तो आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज से पूछो, वो जानते हैं। आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा
कि वाल्मीकि जी महाराज लुटेरे थे, लूटते थे लोगों को, कब जीवन बदल जाता है। इसलिए मैं कहा संत की महिमा कितनी है, संघ की महिमा कितनी है, इनसे ज्यादा और कौन जान सकेगा। जो मिल जाता था पथ पर लूट लेते थे, संत मिल गए, उनको लूटने के लिए आए तो संतों ने प्रश्न कर दिया, ये क्यों लूट रहे हो? बोले परिवार के भरण पोषण के लिए। तो ये जो पाप तुम कर रहे हो, इस पाप का फल तुम्हारे परिवार वाले भी भोगेंगे, ध्यान रखना चाहिए। हम बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या क्या गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, करते हैं, ध्यान रखना। तुम्हारा जो गलत काम है उसका फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। भक्तमाल में बड़ा दिव्य चरित्र है, संतों ने कहा कि कोई भोगेगा? बोले क्यों नहीं भोगेंगे, जब सब खाते हैं तो सब भोगेंगे। बोले पूछ करके आओ। वाल्मीकि जी महाराज बड़े हंसे और बोले हमको आपने पागल समझा है, मैं उधर घर वालों से पूछने जाऊंगा और तुम इधर भाग जाओगे। संतों की कैसी नारायण करुणा, उन्होंने कहा कि हमको बांध दो तो हम भागेंगे ही नहीं, और पूछ कर आओ। संतों को पेड़ में बांध गए, ये पूज्य संत चरण नारायण बंद करके भी अपना दूसरों का उद्धार करते हैं। बंधे रहे हो, जब घर में पूछने के लिए गए, पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि मैं पाप का फल क्यों भोगूंगी, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, तुम कहां से लाते हुए, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारा भोगने का नहीं अधिकार। बच्चों ने सबने मना कर दिया। तब आकर संतों को छोड़ करके रोने लगे, संतों की करुणा थी। वो कहा अब पाप नहीं करेंगे, ये तो हम संकल्प लेते हैं कि जो पाप हो गया है उससे हम कैसे छूटेंगे। तो कहा भगवान का नाम लो, राम जी का, किंतु पाप अधिक होने के कारण नाम भी नहीं निकलता जी। हम देखते हैं किसी को कहो भगवान नाम लो तो थोड़ी देर में जमाई आने लगती, नींद आने लगती है। आप देखो गप मारो नींद नहीं आएगी, भगवान का माला फेरने लगो तुरंत नींद आने लगती है। ये पापी आदमी नाम भी नहीं ले सकता है, वो तो कोई महाराज भगवत कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए तो नाम निकलने लगे। तो इनसे राम भी नहीं उच्चरित होता था, तो मरा बोलते थे, और मरा मरा कहने से ही इनका कल्याण हो गया। भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, उनका अंतकरण शुद्ध हो गया मरा मरा कहने से। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जेहि प्रिय संग भवानी। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। भगवती मांबा जगदम्बा भवानी सहस्र नाम का पाठ करती थी, विष्णु सहस्र नाम का, और संयोग से समय कम तो बोले एक नाम ले लो पूरा हो गया। भगवान राम का एक नाम ले लो, राम सहस्र नाम के बराबर है, ले लिया उन्होंने। तो भगवान नाम की बहुत महिमा है नारायण, इतनी महिमा है कि बड़े बड़े देवता गंधर्व किन्नर इस नाम की महिमा गा नहीं सकते हैं। और आज तक जिनको भी कुछ मिला है भगवान नाम से मिला है, चहु चतुर कहु नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष, ये चार प्रकार के भक्त हैं ना, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु ज्ञानी। ज्ञानी भगवान को विशेष प्यारा है, चारों युग में महाराज भगवान नाम की महिमा है, चारों युग में। आप सतयुग में देख लीजिए, त्रेता में देख लीजिए, द्वापर में देख लीजिए, कलयुग में देख लीजिए, सब जगह भगवान नाम की महिमा है। और कहां तक कहें, इन्होंने तो कह दिया कि नाम की जितनी महिमा है उस महिमा को राम जी स्वयं नहीं गा सकते। राम ने सकही नाम गुण गाई, क्यों भाई? तो लिस्ट दे दी,
भगवान ने किस किस को तारा और भगवान के नाम ने किस किस को तारा। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। दंडकारण बन को भगवान चल करके गए तो पावन कर दिया, किंतु लोगों के मन जो रूपी दंडकारण अपावन है, जिसमें काम क्रोध आदि सब दुष्ट शत्रु भरे हुए हैं, राक्षस भरे हुए हैं, उनको ये नाम भगवान निकाल देते। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। निशाचरों का वध रघुनंदन ने किया तो भगवान नाम ने महाराज जो कलि कलुष हैं, कलयुग के दोष रूपी राक्षस हैं, उनका निकंदन किया। सबरी गीद सुसेवकनी सुगत दीन रघुनाथ, हमारे राघव ने सबरी मैया को, गीद को, सेवकों को सुंदर गति दी, किंतु नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। राम जी ने तो जो दो चारों को तारा है और नाम ने हजारों को तारा है। नाम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको, राम सुकंठ महाराज विभीषण दो, इन दोनों को रखा भगवान ने हृदय से लगा करके। तो नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विदित विराजे। भगवान नाम ने तो हजारों को महाराज हृदय से लगा कर रखा है। राम ने भालू बंदरों को समेट कर सेतु बनाया, किंतु नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान राम तो सिंधु पार जाने के लिए बंदरों का सहारा लेते हैं, रीछकों का सहारा लेते हैं, किंतु नाम भगवान की ऐसी महिमा है कि एक बार कोई यदि नाम ले, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर वानी। तो नाम की महिमा नारायण यहां बहुत विशद रूप से वर्णन की गई है। कैसे भी व्यक्ति किसी भी भाव से, तुलसीदास जी महाराज तो हमारे यहां तक कह दिए, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आप भाव से भगवान का नाम लो, कुभाव से भगवान का नाम लो, आलस्य से नाम लो, जैसे भी आपके मुख से भगवान नाम निकलेगा आपका मंगल ही करने वाला है। इसलिए भाई ध्यान रखना, आज से आप लोग सब भगवान का नाम लेना चालू करना। मोदी जी करोगे कि नहीं? प्रॉमिस पक्का है, गवाही में तुम्हारी धर्म पत्नी बगल में बैठी है। झूठ बोले कौआ काटे। आज से निश्चित रूप से भगवान नाम लेंगे, क्योंकि भगवान नाम की बहुत महिमा है नारायण। नाम के आश्रित लेने से देखो, आप किसी को जानते न हो, उसका नाम पता हो आपको, और यहां से आप बुलाओगे उनका नाम लेकर तो तुरंत दौड़कर नाम ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भगवान को आप भले न जानते हो, न उनके रूप को जानते हो, न उनके गुण को जानते हो, न उनकी विशेषताएं कुछ आपको पता हो, केवल आप नाम लोगे तो काम बन जाएगा। क्योंकि नाम लेने से जैसे नामी दौड़कर आ जाता है, वैसे भगवान नाम लेने से भगवान दौड़कर आ जाते हैं। इसलिए भगवान नाम की बहुत महिमा है नारायण। वैसे तो ध्यान प्रथम युग मख विधि, मुझे आपको बताएं, पहले युग में तो ध्यान है, दूसरे में यज्ञ है, द्वापर में महाराज प्रभु पूजा है, और कलि केवल मल मूल मलीना। ये कलयुग तो महाराज का मूल ही मल है, पाप है, और पाप पयोनिधि जन मन मीना, ये पाप का सागर है, और हम लोगों का जो मन है ना वो मछली है। जैसे मछली महाराज जल से नहीं निकलना चाहती, ऐसा हम लोगों का मन ये महाराज पाप रूपी पयोनिधि से निकलना नहीं चाहता है। किंतु यदि नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नाम की बहुत महिमा महाराज गाई गई। आप कैसे भी भगवान नाम में तो महाराज आप कैसे शुद्ध अशुद्ध जैसे भी जाप कर सको, जैसे भी उच्चारण कर सको, निश्चित रूप से आपका कल्याण होने वाला है।
तुलसीदास जी महाराज तो कहते मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं, सारे दोषों का भरा हुआ जीवन एक भगवान नाम के सहारे ही मैं उनके चरणों तक पहुंच गया हूं। और अब महाराज यही भी निज गुण दोष कही सब ही बहुर सिर ना हूं, अपने दोषों का भी वर्णन किया, वर्णो रघुवर विशद जसु सुन कल कलश नसाए। कहा कि आप जो रघुवर चरित्र का वर्णन कर रहे हैं इसका कारण क्या, इससे मिलेगा क्या हमको? एक तो कारण महाराज जिन्होंने बताया दिया था स्वांत सुखाय तुलसी, अपने आनंद के लिए, और दूसरा महाराज यहां वर्णन करें सुन कल कलुष नसाई, जिनके श्रवण करने से कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो याज्ञवल्क महात्मा ने श्री भरद्वाज जी महाराज को यह कथा सुनाई थी और कहूं सोई संवाद बखानी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वही संवाद मैं सुनाऊंगा आप सबको। सम्मुखीन यह चरित सुहावा बहुर कृपा कर उमही सुनावा, वही कथा भगवान शंकर ने मांबा जगदम्बा श्री उमा को सुनाया और वही कथा सोई शिव काग सुन ही दीना। भगवान शंकर ने उस कथा का दान महाराज कागभूषण को दिया, क्यों दिया? बोले राम भगत अधिकारी चीना, देख लिया राम के भक्त हैं अधिकारी हैं। और महाराज सोई तेईसन जाग बलिक मुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा, उनके माध्यम से ही जागवल के महात्मा को महाराज ये मिली, वही दोबारा इन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया है। त्रेश्रोता बक्ता समशीला समदर्शी जानही हरि लीला, जानही तीन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समाना। ये महात्मा त्रिकालज्ञ हैं और इनके हाथ में जैसे किसी के हाथ में आमला रख दिया जाए उस आमले को महाराज इधर उधर से चारों तरफ से वह देख सकता है, वैसे ही सब कालों को अच्छे ढंग से जान सकते हैं, कह सकते हैं और समझते हैं महात्मा जी। उन्होंने महाराज ये कथा सुनाई है और कथा की बड़ी महाराज इन्होंने तुलसीदास जी महाराज महिमा गाते हैं और महिमा गाते गाते कहते हैं वैसे तो ये कथा हमने महाराज अपने गुरुदेव से भी सुनी थी और उस समय बालकपन था, नारायण में उस कथा को समझ नहीं सका, तो उसी समय हमारे चित्त में एक निष्ठा हुई थी, एक चिंतन धारा बही थी कि निश्चित रूप से हम इसको भाषाबद्ध करेंगे। तो जो गुरुदेव से सुनी थी, जो भगवान शंकर महाराज ने अपने मानस में रच कर रखा था, वही कथा केवल मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं, इस प्रकार महाराज इन्होंने संकल्प करके कहना प्रारंभ किया है। और बड़ा सुंदर रसीली बात महाराज इन्होंने सुनाई है, जैसे अभी मकरगत सूर्य हुए, वैसे तो अभी भी ये परंपरा है, आज से ही लेकर के पूरे एक मास तक इलाहाबाद में प्रयागराज में हजारों महात्मा आकर के साधना करते हैं, ग्रस्त भी पूरा का पूरा मास पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक महाराज वहां लोग रहते हैं और वहां एक मास तक कथा चलती है। कई संतजन कथा कहते हैं आकर के, जो लोग वहां निवास करते हैं वो आकर के महाराज कथा सुनते हैं बैठ करके। उसी क्रम में हमारे महाराज याज्ञवल्क महात्मा आए थे, कहां पर? बोले प्रयागराज भरद्वाज पुनि बसहि प्रयागा। महात्मा भरद्वाज प्रयागराज में रहते हैं, उनके चित महाराज हृदय में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बड़ा अनुराग है और वो महात्मा वहां रह करके भजन करते हैं। जब माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई, ये माघ जब मकरगत होते हैं तब तीर्थराज प्रयाग में सब लोग आते हैं, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता भी आते हैं, धनुज भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, ये सब आकर के महाराज वहां पूजन करते हैं और पूजन करके वहां निवास करते हैं। परस अक्षय भट हर्षि महाराज अक्षय व्रत का दर्शन करके स्पर्श करके बड़े आनंद होते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहां एक भरद्वाज जी महाराज का पवित्र पावन आश्रम है,
वहां पर भी महात्मा लोग आकर के महाराज खूब आनंद से रहते हैं और खूब सत्संग की धारा बहती है। तुलसीदास जी हमारे कहते हैं, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम नहीं सिधाए। बड़े बड़े महात्मा एक मास के लिए यहां पर आए हुए थे, एक मास तक खूब त्रिवेणी में स्नान किया, भजन किया और सब महात्मा अपने अपने स्थानों को चले गए। जहां जहां जो जो तीर्थ में रहता था, जिस जिस स्थान में रहता था चले गए। तो महात्मा याज्ञवल्क्य जी महाराज भी आए हुए थे और जब वो जाने लगे, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज महात्मा ने याज्ञवल्क महात्मा के चरणों को पकड़ लिया और चरण पकड़ करके कहा कि महाराज आप यही निवास कीजिए, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना, इस दीन को छोड़कर आप जाइए मत। और चरण आदि धो करके आश्रम में उनको रखा है। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी। महात्मा की बड़ी प्रशंसा की कि आप भगवान के रस को, रहस्य को जानने वाले हैं, आप अकारण करुणा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, आप कृपा करके यहां ठहर गए, हमारे ऊपर अनुग्रह है। आपके वेद तत्व तो आप करतलक आमलक समान हैं, आपके आप सभी वेदों के जानकार हैं। वैसे तो मुझे पूछने में भय लग रहा है, लज्जा लग रही है, किंतु मैं एक बात कहूं, अगर मैं पूछूंगा नहीं तो महाराज उचित नहीं होगा, अकाज हो जाएगा। संत कहें असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं, पुराणों में श्रुतियों में वर्णन है, होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। महाराज जब तक हृदय में विवेक नहीं होता, विमल विवेक, तब तक काम नहीं बनता। और ये विवेक होता है गुरु कृपा से, किंतु यदि गुरुजनों के सामने कोई अपनी बात छुपाता है, मैं कई बार लोगों को निवेदन करता रहता हूं कि डॉक्टर के सामने अपने रोग नहीं छुपाने चाहिए कभी भी। अगर डॉक्टर से अपना रोग छुपाओगे तो इलाज कैसे करेगा। वैसे गुरुजनों से भी अपने अपराध छुपाने नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे उनके सामने निरावरण हो, और जब हम गुरुजनों के सामने निरावरण हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही होगा। संत कहें असि नीति श्रुति पुराण मुनि गाओ। ये संत जन नीति ऐसी कहते हैं और श्रुतियों में पुराणों में ऐसा गाया गया है, बड़े बड़े महात्मा गाते हैं, होई न विमल विवेक उर। तब तक महाराज विमल विवेक हृदय में नहीं होता जब तक लोग गुरुजनों से दुराव करें। आपसे हमारी प्रार्थना है, मैं आपके चरणों में कुछ पूछना चाहता हूं। आकर चार जीव जग अहीं, काशी मरत परम पद लहीं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और 84 लाख प्रकार की योनियों में किसी भी योनि में रहने वाला व्यक्ति यदि काशी में उसका शरीर पूरा हो जाता है तो उसको मोक्ष मिलता है, क्योंकि भगवान शंकर उसको महाराज नाम का दान करते हैं। तो जो भगवान शंकर दिन रात अहरनिश जिन राम का भजन करते रहते हैं, क्या वही राम अवधेश के कुमार हैं कि कोई और हैं? एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम वो हैं जो अवधेश के राजकुमार थे, जिनका चरित्र सारे संसार में प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। नारी विरह दुख लहु अपारा, जिन्होंने नारी के विरह में दुख बहुत पाया। और भयउ रोष रण रावण मारा, जो क्रोध करके जिन्होंने रावण का वध कर दिया। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। महाराज वही राम है ये अवधेश कुमार जिनका त्रिपुरारी भजन करते हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप कृपा करके हमको ये वर्णन कीजिए, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं।
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। हे गुरुदेव, ये हमारा मोह का भ्रम बहुत बड़ा है, जैसे ये मिटे आप कृपा करके वैसे सुनाइए। और जब महाराज ये कहा तो जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क महात्मा ने कहा, भरद्वाज ऐसा नहीं कि भगवान की प्रभुता से आप परिचित नहीं हो, मैं जानता हूं आपसे कोई भगवत रहस्य छुपा नहीं हुआ है और आप स्वयं भगवान के मन क्रम वचन से आप उनके सेवक हो। मैं चतुराई जान गया तुम्हारी, आपकी जो बुद्धि की प्रखरता है मैं पहचान गया। अगर आप अज्ञ बनकर के, अज्ञानी बनकर के यदि आप हमसे नहीं पूछोगे तो मैं सुनाऊंगा कैसे। आप सुनना तो चाहते हो भगवत चरित्र, क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। महाराज राम की जो कथा है ना, वह शशि के चंद्रमा के किरण के समान है और पूज्य संत चरण चकोर के समान है। जैसे संत चरण महाराज चकोर चंद्रमा की चांदनी को देखकर आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, उसका पान करता है, वैसे ही संत जन भगवत कथा सुन करके प्रसन्न होते हैं और वह प्रसन्न होकर के आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है भगवत चरित्र की, भगवत चरित्र की जानकारी होने के बाद भी वह उसका रस लेते हैं। तो आपको भी जानकारी की कमी नहीं है, आप जानते हो केवल रस लेने के लिए, भगवत कथा का रसस्वादन करने के लिए आपने पूछा है। ऐसे प्रशंसा करके हमारे याज्ञवल्क महात्मा ने हमारे श्री राघव का ये दिव्य चरित्र वर्णन करना प्रारंभ किया है। इसकी चर्चा नारायण अब कल करेंगे, कल बहुत रसीली कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, ये कैसे कथा का प्राकट्य होता है और भगवान के अवतार के हेतु क्या क्या है, कौन सी श्रद्धा हमको भगवान तक ले जाती है। वैसे तो सती को विद्वानों ने जिज्ञासा माना है, कई बार जिज्ञासा जिज्ञासा रह जाती है, वह विश्वास के साथ मिल नहीं पाती है, क्योंकि जिज्ञासा श्रद्धा नहीं बन पाती है। और कैसी श्रद्धा हमको भगवान तक ले जाती है, श्रद्धा का स्वरूप क्या होना चाहिए, श्रद्धा परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए, इन सब स्वरूपों को आपका वर्णन सती के चरित्र से सुनने को मिलेगा। कल ठाकुर जी ने चाहा तो शिव विवाह तक की कथा होगी, कल सायंकाल हम लोग शिव विवाह धूमधाम से कथा के माध्यम से मनाएंगे। तो आप सब कैसे शिव विवाह होता है, क्योंकि सती के विवाह की चर्चा ज्यादा विस्तार से नहीं, पार्वती के विवाह की चर्चा विस्तार से है। तो पहले सती का चरित्र होगा और उसके बाद पार्वती चरित्र होगा। ये सब चरित्र सुनने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।